मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए। जाहिर सी बात है कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पल पल की खबर अफसरों से ले रहे हैं। ठीक है संकेत, मैं रोकना चाहूंगी, एक और बड़ी अपडेट अपने दर्शकों को देना चाहेंगे। शूटर अरुण मौर्य, जो तीन शूटर आपने कल देखे जिन्होंने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई अशरफ और अतीक पर, जिनमें से एक का नाम अरुण मौर्य है, उससे जुड़ी हुई बड़ी अपडेट दे रहे हैं। कासगंज का रहने वाला है अरुण मौर्य, बघेला गांव का बताया जा रहा है रहने वाला, सोरो कोतवाली क्षेत्र का गांव है बघेला, जहां का ये रहने वाला था। करीब 9 साल की उम्र में इसने अपना घर छोड़ दिया था। जीआरपी सिपाही की हत्या केस में भी इसका नाम आया हुआ है। ट्रेन में हुई थी जीआरपी सिपाही की हत्या, जिसमें इसका नाम शामिल है और इसके ऊपर केस भी दर्ज है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिसमें परिवार तक पहुंच गई है एसटीएफ पुलिस की टीम, और अब परिवार से सवाल जवाब किए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं गरीब परिवार है और यहाँ ये उसका घर है, शूटर अरुण मौर्य के घर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। परिवार से अब सवाल जवाब किए जा रहे हैं। इससे पहले आपने देखा एक शूटर जिनके पिता ने साफ कर दिया कि उनका अपने बेटे से कुछ लेना देना नहीं है और ना ही उनको इस हत्याकांड की कोई जानकारी थी, वैसे ही सवाल जवाब अरुण मौर्य के घर पर भी परिवार से किए जा रहे हैं। आठ नौ साल के जब ही चले गए यहाँ से। कितने भाई हैं? तीन भाई, बाकी दो भाई कहाँ रहते हैं? गुजरात रहते, भट्टा पे काम करते हैं। यहाँ से चले गए तब से आए ही ना, अरुण आता ही ना यहाँ पर, आए ही ना, कहाँ बताया ना। आठ नौ साल के जब ही चले गए यहाँ से। कितने भाई हैं? तीन भाई, बाकी दो भाई कहाँ रहते हैं? गुजरात रहते, भट्टा पे काम करते हैं। यहाँ से चले गए तब से आए ही ना, अरुण आता ही ना यहाँ पर, आई ना, कहा बताया ना। तो आप सुन रहे हैं अरुण मौर्य की चाची को सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि परिवार से कोई लेना देना ही नहीं है। इससे पहले भी आपने देखा एक शूटर के परिवार ने सीधे अपने बेटे को स्वीकार करने से मना कर दिया, यहां तक कि यह भी कह दिया कि हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है, ना वो हमारे परिवार का सदस्य है, उनको इस हत्याकांड की कोई जानकारी नहीं है। इस समय दूसरा हत्यारा अरुण मौर्य उनके परिवार से मिलने के लिए यहां पर पूछताछ करने के लिए पहुंची हुई है पुलिस। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और हमारे साथ हमारे तमाम मेहमान जो मौजूद है, रमाकांत मिश्रा जी और अशोक यादव जी। अशोक यादव जी के पास चलते हैं। अशोक यादव जी, स्पोक्स पर्सन समाजवादी पार्टी। अशोक जी, आप देख रहे हैं कार्रवाई तो पुलिस की तरफ से की जा रही है, योगी सरकार की तरफ से एक एक अपडेट भी ली जा रही है और उन तक सारी जानकारियां पहुंच रही है, क्या क्या चीजें आज हो रही हैं, किस तरह के डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। और ये भी है कि जो हत्यारे हैं वो पुलिस की गिरफ्त में अलग अलग जगह पर, लेकिन उनसे पूछताछ हो रही है, तो कहीं तो थोड़ा सा धैर्य समाजवादी पार्टी को रखने की जरूरत है ताकि एक रिपोर्ट सामने आ जाए और उसके बाद किसी नतीजे में आके सरकार को घेरने का काम शुरू किया जाए। आज भर का समय तो आई थिंक सरकार को देना ही चाहिए। सर कंचन जी, जिस तरह से सरकार की बयानबाजियां होती रही है, जिस तरह से सरकार की सरकार का एक्शन होता रहा है, जिस तरह से सरकार के लिए परसेप्शन क्रिएट हो रहा था प्रदेश में, उसको देखते हुए समाजवादी पार्टी फिर से ही मांग कर रही, लगातार मांग कर रही कि इस जांच को हाई लेवल पे कराया जाए, सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्षता में कराया जाए। क्योंकि ये देखिए, सिर्फ अतीक और अशरफ मिट्टी में नहीं मिले हैं, मिट्टी में मिली है पुलिस की साख, मिट्टी में मिली है सरकार की कानून व्यवस्था, और मिट्टी में मिली है इस प्रदेश की जनता का पुलिस के प्रति जो विश्वास रहता है, वो भी मिट्टी में मिला है। तो ये सभी चीजें मिट्टी में मिली है अतीक और अशरफ के साथ साथ। तो समाजवादी पार्टी इसीलिए मांग कर रही है कि इस दाग को मिटाने के लिए और इस हत्याकांड की जड़ तक जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की अध्यक्षता में ही जांच कराई जाए, ताकि जनता के बीच दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। कंचन जी, तो अशोक यादव जी, लगातार समाजवादी पार्टी और जो विरोधी दल है वो सवाल उठा रहे हैं, और पुलिस की मौजूदगी में जिस तरीके से ये हत्याकांड हुआ है उसके बाद आप लोग लगातार कटघरे में खड़ा कर रहे हैं सरकार को। एक छोटे से थोड़ी सी देर के लिए हमें रुकना होगा, हेडलाइंस का वक्त हो गया, हेडलाइंस देख लेते हैं, वापस इसी बड़ी कवरेज पर आएंगे और पल पल की अपडेट इस घटना से जुड़ी दिखाएंगे। फिलहाल हेडलाइंस। आप देख रहे हैं न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। अतीक और अशरफ दोनों को कड़ी सुरक्षा के बीच गोलियों से भूनकर मर्डर। मेडिकल के लिए ले जाते वक्त पुलिस वालों के सामने मारी गई ताबड़तोड़ गोलियां, 44 सेकंड के अंदर 22 राउंड फायरिंग। थोड़ी देर में अतीक और अशरफ का पोस्टमार्टम होगा। प्रयागराज के कसारी मसारी कब्रिस्तान में खोदी जा रही है दोनों की खबरें, संदिग्धों पर रखी जा रही है नजर।
रिपोर्टर बनकर आए थे तीनों हमलावर, एक हमीरपुर, एक बांदा और एक कासगंज का रहने वाला। तीनों हमलावरों का मिला आपराधिक इतिहास। हर दो घंटे पर सीएम योगी ले रहे हैं प्रदेश भर में कानून व्यवस्था का। Great content needs a great audience, like a purple dinosaur needs a hug. Can I have a hug? उमेश पाल हत्याकांड में यूपी एसटीएफ की कार्रवाई, नासिक से संदिग्ध को हिरासत में लिया। एसटीएफ को मिली थी बमबाज गुड्डू मुस्लिम के छिपे होने की खबर। शाहजहांपुर में बढ़ी मृतकों की संख्या, 15 पहुंचा मरने वालों का आंकड़ा। घायलों का अब भी अस्पताल में इलाज जारी। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, बहुत बड़ी खबर। इस वक्त प्रयागराज से धूमनगंज थाने में फायरिंग हुई है और खबर आ रही है कि अतीक और अशरफ को गोली लगी है। अशरफ की मौत हो गई है, तस्वीरें आप न्यूज 18 पर देख रहे हैं। सबसे पहले ये तस्वीर, अतीक अहमद को गोली लगी है, अशरफ की मौत हो गई है। काले रंग के कपड़े में आप देख रहे हैं जिसे, वो अशरफ है। नहीं ले गए तो नहीं गए, ये है कि गुड्डू मुस्लिम। के बीच जिन्होंने गोलियां चलाई, उन्होंने जम के यहाँ नारेबाजी की और करके निकल गए यहाँ से। ये देखिए, ये उसी वक्त का वीडियो है, उसी वक्त का वीडियो है, सिर्फ और सिर्फ न्यूज 18 के पास एक्सक्लूसिव। ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, गोली की आवाज भी आप सुन सकते हैं, कितनी राउंड गोलियां चली है इस वीडियो में आपको आवाज सुन सकते हैं। धूमनगंज थाना है ये, यहाँ पर गोलीबारी हुई है। जब जंगलों से लौटे ये, नहीं ले गए तो नहीं गए। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अतीक अशरफ आज ही सुपुर्दे खाक होंगे, आज ही दोनों को दफनाया जाएगा। कसारी मसारी कब्रिस्तान में दफनाए जाएंगे दोनों के शव। असद की कब्र के पास ही पिता और चाचा की कब्रें खोदी जा रही हैं, दोनों को वहीं दफनाया जाएगा। कब्रिस्तान में दो कब्रें खोदी जा रही है। अतीक अशरफ मर्डर से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। इस हत्याकांड में जिगाना मेड पिस्टल का इस्तेमाल हुआ है। जी हाँ, जिगाना टर्की की कंपनी बनाती है ये जिगाना पिस्टल और देश में अवैध तरीके से लाई जाती है पिस्टल। ड्रोन के जरिए पाकिस्तान बॉर्डर से इसकी सप्लाई होती है। आपको बता दें कि इससे पहले सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या भी इसी कंपनी की पिस्टल से की गई थी। पंजाब आर्म्स डीलर से जुड़ते नजर आ रहे हैं इसके तार। अतीक अशरफ हत्याकांड मामले में सीएम योगी पल पल की अपडेट ले रहे हैं। सुबह से ही मुख्यमंत्री हर अपडेट इस पूरे मामले से जुड़ी हुई ले रहे हैं। और बड़ी खबर, कासगंज का रहने वाला है अरुण मौर्य, जिसने गोली चलाई अतीक और अशरफ पर। बागेला गांव का रहने वाला है, तीन लोगों की गिरफ्तारी हुई है। करीब 9 साल पहले अरुण मौर्य ने अपना घर छोड़ दिया था, जीआरपी सिपाही की हत्या में इसका नाम आया था। आपको बता दें, इन तीनों ही हमलावरों का आपराधिक इतिहास रहा है। शूटर अरुण मौर्य से जुड़ी हुई यह बड़ी खबर आ रही है। कासगंज का रहने वाला है अरुण मौर्य और 9 साल पहले ही अपने घर को छोड़ करके चला गया था। बागेला गांव का रहने वाला बताया जा रहा है और ये वो घर है, ये घर है कच्चे मकान में। उसकी एक माँ रहती है जहां पर पुलिस पहुंची है। उसका परिवार जो खुद बता रहा है कि लगभग 10 साल हो चुके हैं उनका उससे कोई संपर्क नहीं है। वो गलत संगत में आ गया था, गलत लोगों के बीच में चला गया था और 9 साल पहले ही उसने घर भी छोड़ दिया था। ट्रेन में जीआरपी के एक सिपाही की हत्या हुई थी, उसी में अरुण मौर्य का नाम सामने आया था। और फिलहाल तस्वीर में आप उसी अरुण मौर्य का के परिवार जिस मकान में रहता है आप देख रहे हैं। ये कच्चा मकान है, फूस से बना हुआ है, पक्की ईंटें भी नहीं है और उसकी माँ वहां पर दिख रही है। पुलिस वहां पर पहुंची है इंक्वायरी के लिए। तो उसके परिवार ने भी यही कहा है कि 10 साल से जो है कोई संपर्क, किसी तरह का रिश्ता था ही नहीं अरुण मौर्य का इस परिवार से। वो गलत लोगों के बीच में चला गया था, इसीलिए वो 9 साल पहले ही घर से निकल गया। ये तस्वीर, और सीधे अब आपको लिए चलते हैं
अजेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता लाइव जुड़ रहे हैं शूटर अरुण मौर्या के घर के बाहर से। सीधा आपको लिए चलते हैं अजेंद्र के पास। अजेंद्र, ये तो बहुत ही कच्चा टूटा फूटा और फूस का बना हुआ मकान दिख रहा है और परिवार कह रहा है कि 10 साल से कोई संपर्क ही नहीं था, पुलिस क्या कड़ियां जोड़ रही है? मैं आपको बता दूं, मैं इसी गांव में मौजूद हूं, उसके घर के पास मौजूद हूं जहां वो बचपन में यहां रहा करता था। पता जाता है इसके माता पिता की 10-15 साल पहले ही उसकी मौत हो चुकी थी। इसके ये 3 भाई हैं और इसका एक भाई है रविंद्र बड़ा, एक इसका भाई है छोटा आकाश, ये भी 3 नंबर का भाई था जो यहाँ से बताया जाता है करीब 9-10 साल पहले ही बाहर चला गया था। करीब नौ वर्ष की उम्र में ही बाहर चला गया था। ये भी बताया जाता है कुछ दिन पहले इसने जो है भीख भी मांगा करता था, लेकिन उसके बाद ये दिल्ली चला गया। लेकिन परिवार वालों को इसकी कोई जानकारी नहीं है। पिछले कई वर्षों से परिवार वालों को इसकी कोई जानकारी नहीं है कि आखिर ये अरुण कहाँ रहता था। अब पुलिस यहाँ छान रही है, जानकारी कर रही है। सुनने में आया है, पुलिस के अनुसार सूत्रों ने बताया है कि विगत दिनों यहाँ कासगंज जनपद में एक GRP के सिपाही नवीन की ट्रेन में 3 दहाड़े हत्या की गई थी, उसमें भी इसका नाम आया था। तो उससे लगातार ये फरार चल रहा था। इसमें सिर्फ अभी कासगंज की बात करें तो एक ही मुकदमा है, अन्य मुकदमों की जानकारी पुलिस कर रही है। लेकिन पुलिस जो है अभी तक ये बताने को तैयार नहीं है, पुलिस के अधिकारी ये बताने को तैयार नहीं है कि इसका जो कितने मुकदमे से होते हैं, सिर्फ एक मुकदमे की जानकारी हो पाई है। मैं उस गांव में मौजूद हूँ, उनकी चाची जो है उनसे मेरी बात हुई थी लक्ष्मी, उन्होंने बताया था कि 10-15 साल पहले यहाँ रहा करते थे और छोटी उम्र में यहाँ रहते थे। हमने खाना पाना उनको बनाया करते थे, उसके बाद चले गए थे। उनके जो दो भाई हैं आकाश और रविंदर, वो गुजरात में नौकरी करते हैं। एक भाई रविंदर जो बड़े वाले हैं वो यहाँ गांव में अभी कुछ दिन पहले आए हैं। वो गांव में जो किसानों का जो काम होता है, खेती का काम होता है, गेहूं काटने का, उसमें काम करते हैं। तो अभी गांव में तमाम आसपास के लोग भी मौजूद हैं। सुरक्षा की दृष्टि से बात करें तमाम पुलिस को तैनात कर दिया गया है और तमाम LIU के अधिकारी और जो तमाम एजेंसियां हैं वो यहाँ पहुंची हुई हैं और पुलिस के अधिकारी भी तमाम यहाँ पहुंचे हुए हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आप ये बता रहे हैं अजेंद्र की इसके माता पिता नहीं है और इसकी एक चाची है जिनसे पुलिस की मुलाकात हुई है। पुलिस जब वहां पर पहुंची तो कौन लोग वहां पर थे, उसके परिवार के क्या बताया है और पुलिस को क्या जानकारी हासिल हुई है उसके गांव से? आखिरी बार कब आया था इस गांव में या इन लोगों के संपर्क में कब रहा? के 2 भाई बाहर है, एक भैया वहां पकड़ाई गया है। लेकिन ये भी बताया था कि यहां बहुत दिन पहले ही 10 साल पहले यहां आया। बिल्कुल, तो 10 साल से उसने गांव की शक्ल भी नहीं देखी थी। इस बीच एक और शूटर सनी से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। शूटर सनी कुरारा थाने का हिस्ट्री शीटर रहा है सनी। 9 अप्रैल को उसे लापता घोषित कर दिया गया था। फरार है सनी उर्फ पुराने पर 12 मुकदमे दर्ज है। कुरारा थाने में 13 मुकदमे दर्ज है। सुंदर भाटी गैंग का सदस्य है सनी। दूसरा शूटर सनी अरुण मौर्या का गांव हमने आपको दिखाया जहां 10 से 15 साल से उसका कोई लेना देना नहीं है, माता पिता है नहीं, बूढ़ी चाची घर पर है जो बता रही है कि आखिरी बार शायद 10 या 15 साल पहले उसकी शक्ल देखी होगी। तो दूसरी तरफ शूटर सनी से जुड़ी हुई है जानकारी। उसके गांव में इस वक्त यही चर्चा है, लोग घरों से बाहर निकलकर बात कर रहे हैं। जब मीडिया पहुंची तो उनको समझ में आया कि आखिर हुआ क्या है। सुंदर भाटी गैंग से ताल्लुक रखता है और हिस्ट्री शीटर है। कई थानों में कहीं 12 तो कहीं 13 मुकदमे दर्ज हैं। कुरारा थाने का हिस्ट्री शीटर है और 9 अप्रैल को इसको लापता भी घोषित कर दिया गया था। सीधे अब आपको लिए चलते हैं, हमारे सहयोगी उमा शंकर लाइव जुड़ गए हैं। उमा शंकर, सुंदर भाटी गैंग का किसी समय पे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत ज्यादा खौफ था, लेकिन समय के साथ साथ ये गैंग सिकुड़ता गया। जैसे जैसे इसके सरगना, इसके शूटर्स जो है वो पुलिस के हत्थे चढ़ते रहे या फिर एनकाउंटर में ढेर हो गए, लेकिन ये सनी हिस्ट्री शीटर बताया जा रहा है। 15 से ज्यादा मुकदमे दर्ज है, सुंदर भाटी गैंग से इसका ताल्लुक है। हाँ, निश्चित तौर पे मैं इस समय खड़ा हूँ सनी के घर पे। जो सनी जो है यहाँ ही है, कुरारा कस्बे का ही रहने वाला है। निश्चित तौर पे अपराधी किस्म का व्यक्ति है। जगत सिंह के यहाँ इसका जन्म हुआ था और ये 3 भाई थे। बड़ा भाई भी बताते हैं कि क्रिमिनल था और उसकी मौत हो चुकी है। बीच वाला भाई यहाँ पर रहता हुआ है पिंटू सिंह, जो अभी मौके में घर के अंदर था और अब वो घर से बाहर निकल रहा है। ये घर दिखा देना चाहता हूँ, ये घर है पिंटू सिंह का, जो उसका भाई रहता है यहाँ पर, मजदूरी करके किसी तरीके से अपना जीवन यापन करता है। जो हिस्ट्री सीटर है वह सनी, जो सनी हिस्ट्री सीटर है वो लगातार अपराध की श्रेणी में शुरुआत से ही आ गया था। जो बताया जा रहा है 2017 से यहाँ लगातार लापता है। कुरारा थाना में हालांकि इसके खिलाफ 13 मुकदमे
संगीन मुकदमे दर्ज हैं जिसमें पुलिस मुठभेड़ सहित लूट और कई ऐसे संगीन अपराध इसने किए थे जो लगातार अपराध की श्रेणी में था। सनी निश्चित तौर पर यह हमीरपुर जिले का एक हिस्ट्री सीटर अपराधी है जो लगातार अपराध की श्रेणी में काम कर रहा था। जो शूटर है पेशेवर अपराधी, आप बता रहे पेशेवर अपराधी है, लगातार कई वारदातों में शामिल रहा है। इसको हाल ही में जो है वो भगोड़ा भी घोषित किया गया 9 अप्रैल को। आप उसके घर के बाहर से हैं, गांव तक जब ये खबर पहुंची होगी कि अतीक और अशरफ को गोलियों से भूनने वालों में शामिल था सनी, आखिर किस प्रकार की चर्चा चल रही है? हम देख रहे हैं हर तरफ भीड़ ही भीड़ जुटी है, लोग आपस में बात करते नजर आ रहे हैं, कोई किसी को कुछ जानकारी दे रहा है। पुलिस पहुंची है क्या अभी तक उसके घर पे? हाँ, निश्चित तौर पे मैं बता देना चाहता हूँ, पुलिस के 2-4 जवान यहाँ पर लगाए गए हुए हैं, वो सुरक्षा की दृष्टि पे लगाए हुए हैं, लेकिन मोहल्ले वालों को अभी तक ये नहीं मालूम था कि यहाँ पर वो इतना बड़ा हिस्ट्री सीटर अपराधी इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे सकता है, क्योंकि लगातार मोहल्ले के संपर्क में वो नहीं रहता था और घर से लगातार गायब रहता था। जब कभी अपने 4-5 दोस्तों के साथ, जो सूत्र बताते हैं लोगों ने बताया कि आता था और अकेले ही चला जाता था। अपने भाई की मौत पर 1 साल पहले बताया जा रहा है कि आया था और चुपचाप तरीके से उसके बाद वो चला गया था। निश्चित तौर पे बड़े गैंग के लिए वो काम कर रहा था, जिस तरीके से लवलेश तिवारी और मौर्या जी के संपर्क में था, तो एक उसने गैंग बना रखा था और ये लगातार जो सूत्र बताते हैं कि सुंदर भाटी गैंग के लिए लगातार ये काम कर रहा था। निश्चित तौर पर ये यहां से फरार था और फरार होने के बाद ये अपराध की श्रेणी में लगातार अपराध कर रहा था। हमीरपुर जिले के कुरारा थाने में केवल 13 मुकदमे, जिले में 18 से ज्यादा मुकदमे दर्ज है। निश्चित तौर पर ये बता देना चाहता हूं कि ये अन्य जिलों में भी इसके खिलाफ मुकदमे होंगे। जिस तरीके से इसने अपराध की श्रेणी में कदम रखा था, निश्चित तौर पर एक अपराधी था और लगातार अन्य जिलों में रैकिंग करके अपराध कर रहा था। तो ये गैंग का सरगना सदस्य था। जब सुंदर भाटी यहाँ पर जेल हमीरपुर में बंद था, तो उस दौरान भी ये रैकिंग का काम करता था। जो बताते हैं सूत्र बताते हैं हमारे और पुलिस के सूत्र भी बताते हैं कि निश्चित तौर पे इसमें ये एक अपराधी था और पेशेवर अपराधी था। और सुंदर भाटी जब हमीरपुर जेल में था तब भी इसने वारदातें की थी। एक और आरोपी लवलेश की मां ने खुलासा किया News18 पर, कहा है बेटा गलत रास्ते चला गया है, गलत संगत में आ गया है, अच्छे रास्ते चलने को कहती थी, घर में कोई ऐसा नहीं है, पहले छोटे छोटे वो झगड़े करता था और उसके बाद धीरे धीरे उसका इसकी बगावत बढ़ती चली गई, घर में यही सीख मिली कि बुरे रास्ते पर ना चले, लेकिन वो गलत रास्ते चला गया। ये लवलेश की माने News18 से बातचीत में कहा है। आरोपी लवलेश वो तीसरा शूटर जिसने अतीक अशरफ पर गोलियां बरसाई, बेटा गलत रास्ते चला गया। लवलेश की माँ फूट फूट कर रोई और मीडिया के कैमरों के सामने कहा, अच्छे रास्ते चलने को कहती थी लेकिन बेटा गलत रास्ते चला गया। ये उसका घर है लवलेश। और आपको बता दें लवलेश की उम्र 22 साल है। उसकी मां जिसका बुरा हाल है, उसने कहा सीख दी थी, समझाया था कि अच्छे रास्ते चले, बुरे काम ना करे, गलत कदम ना उठाए, लेकिन 22 साल का लवलेश कानून एक बार फिर से हाथ में ले बैठा और अतीक अशरफ की का जो हत्याकांड था उसमें शामिल रहा। इससे कोई ऐसी कोई घटना नहीं, छोटी मोटी दोस्त लड़ाई हल्की फुल्की करता रहता है, लेकिन उस तक खड़ी कोई एक बस लड़की जो जिसमें जेल गया था, उसने दूसरे चक्कर में लड़की के थप्पड़ मार दिया, उसमें जेल चला गया। क्या पता चला माता जी किसकी क्या हत्या कर दी, कौन कौन लोग थे? अब यही हम देखते हैं टीवी में, हम नाम भी नहीं जानते, आती तो जाने क्या कहते हैं उसको। क्यों लग रहा, क्या लग रहा, क्यों उसने ऐसी बात की? मुझे तो भैया कुछ समझ नहीं आता, क्या कह सकती हूँ, मुझे नहीं कुछ समझ में आता, घर की स्थिति आप हमारी देख रहे हैं। के पास ले चलते हैं, लवलेश के घर के बाहर से ही मौजूद है News18 के सहयोगी हमारे, उन्हीं से अपडेट लेते हैं। अमितेश बताइएगा, उसकी माँ तो कैमरे के सामने ही रो पड़ी और कहा कि बहुत गुस्सा आ जाता था, छोटी छोटी बात पे झगड़े कर लेता था और एक लड़की को थप्पड़ मार दिया था, इसीलिए पहली बार जेल गया, लेकिन उसके अलावा भी क्या किसी प्रकार के अपराध? Here's a natural snack that keeps you energized. Almonds are rich in vitamin B2 and वो संलिप्त रहा है, कितने समय से उसका घर से कोई रिश्ता नाता नहीं रह गया था। जी देखिए, इस वक्त हम लवलेश के घर पे ही मौजूद हैं और ये उसका घर है, लवलेश का यहाँ पर किराए पे रहता था और ये घर जो है उसका खुद का नहीं है बल्कि किराए का है। ये चिल्ला थाना क्षेत्र के लोमा गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं और ये 4 भाई के तीसरे नंबर का लवलेश था और घर में फिलहाल माता पिता इतने सदमे में हैं कि यहाँ पर कोई भी बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है और दरवाजे साफ तौर पर बंद कर लिए गए। अगर पुलिस की बात की जाए तो ये घटना करने के बाद पुलिस यहाँ थाने चौकी के कुछ पुलिसकर्मी यहाँ पर पहुंचे थे, लेकिन उसके बाद हम देख सकते हैं आप तस्वीरों में साफ तौर पर उसके घर में ताला लगा हुआ है, अंदर से घर को लॉक कर लिया है। पूरे घर में लवलेश के पिताजी, माता जी और छोटा भाई है जो लवलेश से बहुत क्लोज था और हर तरह की बातचीत करता था, उससे भी हमने बातचीत किया, उसका साफ तौर कहना है
कि इतनी बड़ी वारदात कैसे कर सकता है, वो खुद परेशान है सदमे में कि कभी भी उसने ऐसी कोई घटना की कोई जिक्र नहीं किया, कोई चर्चा नहीं किया, और इसके साथ जो अन्य दो लोग मौजूद थे वो भी जो है उनकी कभी फोटो नहीं देखा ना उनका कभी जिक्र किया, उसके छोटे लवलेश के छोटे भाई बेच और यहाँ पर कुछ लोग मौजूद भी हैं, हम एक बार बात करने की कोशिश करेंगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, तो उसके माता पिता इस वक्त खुद को उन्होंने घर के अंदर दरवाजे में बंद कर लिया है और उनका कहना है कि हमसे कोई रिश्ता नाता नहीं था। और एक बड़ी खबर इस बीच, तीनों शूटर्स के खिलाफ अब केस दर्ज हो चुका है। अतीक अशरफ को गोलियों से भूनने वाले तीनों शूटर्स के खिलाफ केस दर्ज हो गया है और इस मामले में हो गई है अब एफआईआर। तीनों शूटर्स के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और शाहगंज थाने में यह केस दर्ज हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त की, अतीक अशरफ की हत्या के मामले में अब एफआईआर दर्ज हो गई है। यानी कि सनी, पुराने और लवलेश तीनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। बीती रात जिस तरीके से अतीक और अशरफ पर पूरी प्लानिंग के साथ उन्होंने गोलियां चलाई, उनकी हत्या कर दी, पुलिस की मौजूदगी में मीडिया के कैमरों के सामने, उस मामले में अब एफआईआर दर्ज हो गई है। शाहगंज थाने में ये एफआईआर दर्ज हुई है, तीनों शूटर्स के खिलाफ केस दर्ज हो गया है। रिपोर्टर बनकर एंट्री की, हाथ में बाकायदा एक माइक आईडी भी था और जैसे मीडिया के सामने अपनी बात रखनी शुरू की अतीक और अशरफ ने सिर से सताकर गोली मारी और उसके बाद ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर अतीक और अशरफ की हत्या कर दी गई। और इन तीनों ही शूटर्स, जहां से इनका ताल्लुक है, इनका पैतृक घर कहां पर है और इनके घरों के बाहर से हमारे सहयोगी इस वक्त है, गांव में क्या चर्चा चल रही है, घर वाले क्या कह रहे हैं, उस सब के लिए हमारे तीन सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। एक बार फिर से अजेंद्र का रुख कर लेते हैं। लवलेश के घर के बाहर से अजेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजेंद्र, आपने बताया कि 10 साल पहले वो कभी गांव में देखा गया था, उसके बाद उसने कभी मुड़कर नहीं देखा। माता पिता की पहले ही मृत्यु हो गई थी, एक चाची है वो भी ज्यादा कुछ बता नहीं पा रही है, पुलिस अब भी वहां पर क्या पूछताछ कर रही है या वहां से जा चुकी है? मैं आपको बता दूं, पुलिस लगातार सुबह से ही डेरे डाले हुए है। और मैं आपको बड़ी बात बता दूं, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश ने सबसे पहले आज सुबह पहले ही सबसे पहले ये बताई थी कि सोरों के पास का रहने वाला है अरुण मौर्या, और तब से लगातार हम खबर भी दिखा रहे थे। आज उसके घर पे पहुंचे हैं, उसके परिवार से भी हमने बात की है, तो यह हम कह सकते हैं कि न्यूज 18 की जो खबर थी इस पर मोहर लग चुकी है और यहाँ पर अरुण मौर्या यहीं का रहने वाला है। उसकी चाची से हमने बात की है, गांव के लोगों से बात की है, गांव के प्रधान से हमारी बात हुई है, सभी लोगों ने कहा है कि वो छोटी सी उम्र में 9 से 10 साल की उम्र में यहाँ चला गया था, आज से करीब 10 वर्ष पूर्व यहाँ चला गया था। लेकिन बताया जाता कुछ दिन पूर्व एक जीआरपी के सिपाही की हत्या हुई थी, नवीन नामक सिपाही की हत्या हुई थी, ट्रेन में दिनदहाड़े हत्या की गई थी, उसमें भी इसका नाम आया था। तो अभी तक पुलिस के अनुसार इस पर अभी एक ही केस सामने आया है और 10 साल से ये गांव में नहीं आया है। इसके दो भाई हैं, वो यहाँ गांव में नहीं रहते हैं, गुजरात में नौकरी करते थे, एक भाई अभी यहाँ गांव में आए हुए हैं, लेकिन हमने उन्हें ढूंढने का प्रयास किया लेकिन अभी तक वो मीडिया के सामने नहीं आए हैं। गांव के तमाम लोग, सैकड़ों की संख्या में लोग घर के आसपास हैं, उसके घर में परिवार में यहाँ ज्यादा लोग नहीं है, जो भी उनकी चाची यहाँ रहती है उनका पक्का मकान नहीं है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, कच्चा ही मकान है अरुण मौर्या का जो घर दिखाया जा रहा है। और इस बीच नासिक में UPSTF ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया। एक और बड़ी खबर बता दे, गुड्डू मुस्लिम की लोकेशन नासिक में मिली थी UPSTF को और खबर आ रही है कि लोकेशन मिलने के बाद एक कार्रवाई हुई है, एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है। हालांकि ये कंफर्मेशन नहीं है कि वो गुड्डू मुस्लिम ही है या उससे कोई जुड़ा हुआ शख्स है, कौन है। गुड्डू मुस्लिम की लोकेशन जरूर मिली थी नासिक में और ये तस्वीर उस शख्स की आप देख रहे हैं कि ये ब्राउन शर्ट में, जिसको हमने अलग से मार्क करके दिखाया हुआ है। UPSTF ने इसको हिरासत में लिया और इसे अपने साथ ले गई है। बमबाज गुड्डू मुस्लिम, जिसने प्रयागराज शूटआउट में बम फेंके थे जिसमें पुलिसकर्मियों की भी मौत हुई थी, वो गुड्डू मुस्लिम फरार चल रहा है। इससे पहले अजमेर में होने की सूचना मिली थी, इस तरह की कुछ अपुष्ट खबरें आई थी और अब खबर ये कि नासिक में उसके होने की लोकेशन UPSTF को मिली, जिसके बाद इस संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है। ये शख्स दौड़ता हुआ दिख रहा है और खबर ये भी आ रही है कि ये शख्स जो है ये गुड्डू मुस्लिम का मददगार हो सकता है, गुड्डू मुस्लिम भी नासिक में हो सकता है। और जिस शख्स को हिरासत में लिया गया है, ये जो ब्राउन शर्ट में शख्स बैठा हुआ है, UPSTF अपने साथ लेकर गई है, आशंका है कि इसने गुड्डू मुस्लिम की मदद की है, गुड्डू मुस्लिम का मददगार UPSTF के हत्थे चढ़ चुका है। नासिक में UPSTF का ये एक्शन हुआ है और अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्दी गुड्डू मुस्लिम को भी
पकड़ा जा सकता है। एसटीएफ उसके बेहद करीब पहुंच गई है, लोकेशन मिली है उसे नासिक में, और इस बीच जो जानकारी मिली है एक होटल में भी रुका था गुड्डू मुस्लिम, और जिस संदिग्ध को हिरासत में लिया है वो गुड्डू मुस्लिम का मददगार बताया जा रहा है। लोकेशन मिलने के बाद ये कार्रवाई हुई है, होटल वेलकम में रुका था गुड्डू, सूत्र बता रहे हैं। और इस वक्त वो तीनों शूटर्स लवलेश, सनी और अरे भेज दिया डैड ने यार, कहते जाओ पासबुक अपडेट करा के लाओ। मिस्टर चिंटू हेलो, यू नो मी, आपका पापा आपका पोस्टर स्टोरीज दिखाता रहता है। ए प्लीज दिस यू प्ले वेल आई मस्ट से, बेश भालो। थैंक यू अपडेट। हां वैसे सब कुछ तो हो जाता है आपके ऐप पे, हां तो फिर पासबुक के लिए बैंक क्यों? वो भी दिख जाता है ऐप में। पूछो पापा को बताऊंगा, बैंक ही नहीं आना पड़ेगा। उन्हें सब पता है, वो फिर भी यहाँ आएंगे क्यों? पासबुक तो घर पे दिख जाएगा, किंतु उनका जोक्स पे हंसने वाला जी बिल्कुल। देखिए अगर बात की जाए तो लवलेश के घर के में अभी तक जो है स्थानीय पुलिस पहुंची है, चौकी है वहां से तीन चार सिपाही एक सब इंस्पेक्टर यहां पर पहुंचे थे और पूछताछ की है, लेकिन अगर कहा जाए तो माता पिता लवलेश जो है काफी सदमे में है और उन्होंने दरवाजा लॉक कर लिया है। यहां पर घर के अंदर सिर्फ लवलेश के माता पिता और लवलेश का छोटा भाई है, बाकी यहाँ पर जो है किसी को अंदर जाने की परमिशन नहीं है। फिलहाल अगर पुलिस की बात किया तो यहाँ पर पुलिस के जो पुलिसकर्मी आए थे वो आने के बाद यहाँ से चले गए हैं, और ये यहाँ पर लवलेश किराए के मकान में रहता था। अगर कहें तो बात करें जो जिस किराए के मकान में रहता, किराए के मकान उन मालिक से बात करें जिस मकान में रहता था। बिल्कुल आप बता रहे हैं कि ये किराए का मकान है जहाँ पर माता पिता रहते हैं, और उसकी माँ मीडिया के कैमरे के सामने रो कर कह रही हैं कि बहुत समझाया था लेकिन गलत रास्ते चला गया। 22 साल की उम्र है लवलेश की, उसका एक छोटा भाई भी है जो माता पिता के साथ रहता है। फिलहाल घर का दरवाजा अंदर से बंद है, उसके परिवार वाले किसी से नहीं मिलना चाहते, पुलिस जरूर आई थी वहां पर पूछताछ करके गई है। इस बीच पड़ोसी कुछ बता पा रहे हैं क्या कि आखिरी बार लवलेश यहां पर कब आया था, क्या वो किसी प्रकार के संपर्क में था, कभी छुप कर मिलता था क्या परिवार से? अभी दो तीन साल से उसकी जो गतिविधियां थी वो कभी जब शराब पी लेता था तो लड़ता झगड़ता था, और क्या कुछ उसका मोहल्ले में माहौल रहता था, कुछ मोहल्ले में किसी से कुछ अपराधिक घटना कुछ ऐसा नहीं? यहाँ नहीं, रोड बाहर ही करता था। क्या कुछ किया करता था? जैसे शराब पी ले तो किसी को गाली गलौज करना है, किसी को झगड़ा करना। आप लोगों के प्रति एक परिवार के, जैसे आप लोग पड़ोसी हैं, आप के मकान मालिक है, पड़ोसी है, और घर वालों के क्या कैसे व्यवहार था, क्या कुछ कभी कुछ? वो किसी से नहीं बोलता, यहाँ आसपास में मोहल्ले में किसी से नहीं बोलता। क्या मानते हैं इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया है, कैसे इसने कर दिया? हम लोग स्वयं अचंभित थे कि इतनी बड़ी वारदात कर कैसे दी। जी साफ तौर पर देखिए, ये जो जिनके मकान में लवलेश रहता था उनका साफ तौर पर कहना है कि लवलेश इतनी बड़ी वारदात कैसे अंजाम देगा, ये भी सकते में है और परिवार भी सकते में। फिलहाल अगर कहा जाए तो लवलेश छोटी मोटी घटनाओं को अंजाम देता था, और अगर कहा जाए तो अब से तीन साल पहले लवलेश ने एक घटना को अंजाम दिया था, एक लड़की के थप्पड़ मार दिया था, उसके बाद इसके पास भी एक मुकदमा दर्ज हो गया था, उसके बाद जेल भी गया था, और वो मामला अभी जो है लंबित है, वो मामला अभी फिलहाल चल रहा है। बिल्कुल, और अब रुक कर लेते हैं, हमारे सहयोगी उमाकांत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमलावर सनी उर्फ पुराने के घर के बाहर से उमाकांत हमारे साथ हैं। उमाकांत वहां तो गांव में पूरे भीड़ लगी हुई है, लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं, और क्या अभी पुलिस उसके घर पर मौजूद है या वहां से पूछताछ करके जा चुकी है? देखिए मैं बता देना चाहता हूँ, लगातार यहाँ पर हम लोग सुबह से दिखा रहे हैं, सनी के घर से लगातार लाइव चल रहा है, जिसमें ये बता देना चाहता हूँ पुलिस शुरू होने जा रही है। तिवारी हैं, ये एसीपी हैं, जिनका साफ तौर पर कहना है कि पोस्टमार्टम थोड़ी देर में यहाँ पर शुरू होगा, और बॉडी दोनों यहाँ पर आ गई है। तो अब यहाँ पर एसीपी यहाँ पहुंच गए हैं, सत्येंद्र पी तिवारी, कानून व्यवस्था को लेकर कोई स्थिति न खराब हो इसको लेकर अब यहाँ पर एक बार से मूवमेंट यहाँ पर तेज हुआ है, और एक बार फिर से यहाँ पर मूवमेंट तेज हुआ है। जो यहाँ पर एसीपी पहुंचे हैं सत्येंद्र पी तिवारी, और सत्येंद्र पी तिवारी के बाद यहाँ पर इंस्पेक्टर कोतवाली माफिया अतीक अहमद और अशरफ का 100 मोर्चरी आ चुका है, और
पोस्टमार्टम के बाद जिस पॉलीबैग में शवों को रखा जाना है वो भी यहाँ पर पहुंच गया, इंस्पेक्टर लेकर आए हैं। और आप देखिए कि यहाँ पर सत्येंद्र पी तिवारी यहाँ पर एसीपी पहुंचे थे, वो निकले हैं। और ये बैग्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वो बैग्स है जिसमें जो है पोस्टमार्टम के बाद शवों को रखा जाएगा और यहाँ से ले जाएगा। तो यहाँ पर पुलिसकर्मी पहुंच चुके हैं और वो बैग्स आए हैं, यानी कि अब पोस्टमार्टम की कार्रवाई की सभी तैयारियां यहाँ पर शुरू हो चुकी हैं। और पोस्टमार्टम के बाद बॉडी को इन्हीं बैग्स में रखा जाना है, इसमें ग्लव्स भी है और अन्य सामान है। तो सभी सामान लेकर पुलिसकर्मी यहां पर पहुंचे हैं और इसको इन सामानों को अब अंदर रखा जा रहा है, क्योंकि जो यहां पर गोली मारी गई है और गोली मारकर अतीक अहमद और अशरफ की हत्या की गई है। तो यहां पर जो उससे संबंधित सामान है वो धीरे धीरे करके अब यहाँ पर पुलिसकर्मी लेकर पहुंच रहे हैं। एसीपी भी यहाँ पर पहुंचे थे और इसके साथ ही साथ यहाँ पर तैयारी पूरी कर ली गई है। और जानकारी यही दी जा रही है कि यहाँ पर थोड़ी देर में डॉक्टरों के पैनल से पोस्टमार्टम कराया जाएगा और पूरी पोस्टमार्टम प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। सुरक्षा के मद्देनजर यहाँ पर फोर्स का एलोकेशन भी किया जा रहा है और यहाँ पर कोतवाली इंस्पेक्टर भी मौजूद है। तो यानी अब पोस्टमार्टम की तैयारी यहाँ पर पूरी तरह से शुरू कर दी गई है और थोड़ी देर में यहाँ पर पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए यहाँ डॉक्टर्स भी पहुंच जाएंगे, जिसके बाद पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू होगी। ये माना जा रहा है कि करीब 3 बजे तक पोस्टमार्टम की पूरी कार्रवाई करने के बाद शव जो है अतीक अहमद का और अशरफ का शव उनके परिजनों को या रिश्तेदार जो भी आएंगे उनको सौंपा जाएगा। हालांकि परिवार में शाइस्ता परवीन फरार है, पता ये चल रहा है कि उन्होंने पुलिस से संपर्क किया। देखना यह है कि शव लेने कौन आता है यहाँ पर, लेकिन यह कि यहाँ पर पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू होने जा रही है। कैमरा पर्सन बिल्कुल, इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट हमारे सहयोगी सर्वेश दुबे प्रयागराज से हमें बता रहे थे कि पोस्टमार्टम शुरू होने जा रहा है अतीक और अशरफ का। दोनों की डेड बॉडीज पहुंच गई है पोस्टमार्टम हाउस और कार्रवाई भी पूरी कर ली गई है, जो पेपर वर्क होता है, और अब पोस्टमार्टम बस शुरू ही होने जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने तस्वीर भी दिखाई कि वो पॉलीबैग या कह लीजिए कि वो कफन जिसके बाद उनके शवों को जिसमें लपेटा जाएगा और घर वालों को सौंपा जाएगा, तैयारी पूरी है और अब से थोड़ी देर बाद पोस्टमार्टम शुरू होगा। साथ ही प्रयागराज के कसारी मसारी कब्रिस्तान में कब्रें भी खोद ली गई हैं। असद के बराबर में ही पिता अतीक और चाचा अशरफ की कब्र को खोदा गया है और वहीं पर आज ही उनको दफनाया भी जाएगा। और तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, एक तरफ पोस्टमार्टम बस शुरू होने ही वाला है और दूसरी तरफ TubeBuddy helps your YouTube videos get seen. Sure wish it could also help me find my TV remote. Where is it? बेटे असद को दफनाया गया था, उसके ठीक बराबर में पिता और चाचा की भी कब्र। मेरा थाना क्षेत्र है इसलिए हम आए हैं। बॉडी लाई जा चुकी है, यहाँ पे अंदर मौजूद है। आपको क्या कब तक सर, कब तक पोस्टमार्टम शुरू हो जाएगा? आपको किस तरह भेजा गया है? अरे कुछ तो बताइए, कम से कम कुछ तो अपडेट दे दीजिए, दे दीजिए। क्या हेलो, मैडम की जिम्मेदारी आपको दी गई है? हेलो, तो पुलिस के अधिकारी खुलकर कुछ भी कहने से बच रहे हैं, लेकिन जानकारी सिर्फ अभी इतनी मिल पाई है कि पोस्टमार्टम बस शुरू ही होने वाला है। लेकिन दूसरी तरफ प्रयागराज समेत पूरे उत्तर प्रदेश के हर जिले में पुलिस अलर्ट पर है। प्रयागराज के अंदर इंटरनेट सेवाओं को भी रोका गया है और कानून व्यवस्था शांति बनाए रखने के लिए कोई गड़बड़ी ना हो, इसीलिए चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर है और खासतौर पर उन जगहों पर जहां पर अतीक और अशरफ का प्रभाव रहा, चाहे वो उनका घर हो, कब्रिस्तान हो, मॉर्चरी, पोस्टमार्टम हाउस, सभी जगह जहां इनके शव जा रहे हैं या आगे की प्रक्रियाएं चल रही हैं वहां पर, और कड़ाई है पुलिस की सुरक्षा की। अधिकारी खुलकर कैमरे के सामने कुछ कहने से बच रहे हैं। और इस बीच दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं हमला करने के बाद कैसे पिस्टल को सामने रखकर हाथ उठाकर सरेंडर कर दिया तीनों ही आरोपियों ने, अंकित, सनी और अरुण मौर्या। मीडिया कर्मी बनकर आए थे, हाथ में बकायदा एक माइक भी था, और जैसे ही अतीक और अशरफ मीडिया के कैमरों के सामने अपना वक्तव्य देने के लिए आए, सब चैनल्स ने माइक लगाया। आप दूसरे तस्वीर में देख भी रहे हैं, उसी बीच कार्रवाई शुरू होने ही जा रही है। थैंक यू, शुरू होने जा रही है। तिवारी हैं, ये एसीपी हैं, जिनका साफ तौर पर कहना है कि पोस्टमार्टम थोड़ी देर में यहाँ पर शुरू होगा और बॉडी दोनों यहाँ पर आ गई है। तो अब यहाँ पर एसीपी यहाँ पहुंच गए हैं, सत्येंद्र पी तिवारी। कानून व्यवस्था को लेकर कोई स्थिति न खराब हो, इसको लेकर अब यहाँ पर एक बार से मूवमेंट यहाँ पर तेज हुआ है और ये एक बार फिर से यहाँ पर मूवमेंट तेज हुआ है। जो यहाँ पर एसीपी पहुंचे हैं सत्येंद्र पी तिवारी,
बिल्कुल, तो पुलिस की तरफ से यही जानकारी कि पोस्टमार्टम बस शुरू हो रहा है और पोस्टमार्टम खत्म होने के बाद उनके शवों को घर वालों को सौंपा जाएगा। और एक बार फिर से देखिए बीती रात की वो तस्वीर जो अपने आप में हमेशा याद की जाएगी इस लिहाज से भी कि कैसे दो माफियाओं की, दो गैंगस्टरों की मीडिया के कैमरों और पुलिस वालों के सामने हत्या कर दी गई। तो इस वक्त दो तस्वीरें आपके सामने है। पहली तस्वीर में आप देखिए कैसे मीडिया के सामने वक्तव्य रखते हुए मीडिया कर्मी के ही भेष में आए इन शूटर्स ने गोली चलाई। अतीक अहमद के सर से सटाकर पिस्तौल पहली गोली चलाई और उसके बाद ताबड़तोड़ गोलियों से भून दिया गया। अशरफ ने पलट कर देखा हुआ क्या अगली गोली उसको भी लगी और दूसरी तरफ तीनों आरोपियों ने सरेंडर कर दिया, फौरन पिस्तौल फेंकी, हाथ को उठाया और पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया और जय श्री राम के नारे भी लगाए गए। नहीं ले गए तो नहीं गए, मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम है। हाथ को हवा में उठा करके सरेंडर कर दिया गया और पुलिस ने फौरन उनको जमीन पर लिटा दिया। उनके पास जो वेपन था वो भी पुलिस ने जब्त कर लिया। माइक जो लेकर के आए थे मीडिया कर्मी बनके उसको भी फेंक दिया। एक और बड़ी खबर, अतीक अशरफ मर्डर से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर, सजा याफ्ता माफिया पर साजिश रचने का शक जताया जा रहा है। माफिया के गुर्गों ने हथियार मुहैया कराए। उमेश पाल हत्याकांड के बाद ये प्लान बनाया जा रहा था, अतीक अशरफ की हत्या का प्लान बनाया जा रहा था। जेल में बंद सजा याफ्ता माफिया की तरफ से अतीक और अशरफ के मर्डर का प्लान बनाया जा रहा था उमेश पाल की हत्या के बाद। और यह भी कहा जा रहा है कि उसी माफिया के गुर्गों ने हथियार मुहैया कराए थे इन तीनों को। अंकित, सनी और अरुण मौर्या के पास से जो हथियार मिले हैं, एक टर्किश कंपनी का वो हथियार जो कि सिद्धू मूसेवाला को भी मर्डर करने में जिस कंपनी के हथियार का इस्तेमाल किया गया और पंजाब बॉर्डर पर तस्करी के माध्यम से उसको पहुंचाया जाता है, एक माफिया ने अपने गुर्गों के माध्यम से ये हथियार अवेलेबल करवाए अंकित, सनी और अरुण मौर्या को। इतना ही नहीं, बड़ी खबर यह भी आ रही है कि इस माफिया और उसके गुर्गों ने अंकित, सनी और अरुण मौर्य को यह सपना भी दिखाया था कि तुम एक बहुत बड़े माफिया बन जाओगे, बहुत बड़े माफिया बन जाओगे और जेल भी चले गए तो कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। ऋषभ मणि हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। ऋषभ मणि बताइए, ये तो और बड़ी सनसनीखेज जानकारी है कि एक सजा याफ्ता माफिया ने अतीक और अशरफ के मर्डर का प्लान रचा, हथियार मुहैया कराया और यह भी सपना दिखाया कि ये शूट आउट करने के बाद तुम बहुत बड़े माफिया बन जाओगे। देखिए, जेल में बंद एक सजा याफ्ता माफिया है, उसकी ओर शक्ति सुई जा रही है। जो हमारे सोर्सेज हैं वो ये इशारा कर रहे हैं कि इसी माफिया ने इस पूरे हत्याकांड की, इस पूरे शूटआउट की साजिश रची है और इन तीनों शूटर्स को ये भरोसा भी दिलाया है कि इस हत्याकांड के बाद तुम लोग बड़े माफिया बन जाओगे और बड़ा माफिया जेल के अंदर से भी अपनी सत्ता चला सकता है और इस पूरे हत्याकांड को अंजाम देने के लिए उसको सोफिस्टिकेटेड जो अत्याधुनिक असलहे हैं वो भी मुहैया कराए गए हैं, ये भी बताया जा रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई बड़े बदमाश हैं जिन्होंने इस मामले में वेपन मुहैया कराए हैं जो इस हत्याकांड में इस्तेमाल हुए हैं। और ये बात बिल्कुल सही है कि अब जो जांच है जो शुरुआती वो इसे इशारा कर रही है, जो पुलिस इन बातों को और पुख्ता करने में लगी हुई है कि क्या इस थ्योरी में कितना दम है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये शूटर्स बरगलाने के लिए पुलिस को ऐसी कोई थ्योरी बता रहे हैं कि कोई ऐसा चर्चित सजा याफ्ता है जिसके ऊपर पहले भी कई आरोप लगते रहे हैं, उसका नाम ले लिया जाए तो हम बच सकते हैं। शुरुआती पूछताछ में ये कहा जरूर है इन शूटर्स ने, लेकिन इन शूटर्स ने जो कहा है प्रति वो अंदा उन्तंद, स्टाइल उन्तंद, आइडेंटिटी उन्तंद, कानी को सजा सुनाई जा चुकी है, लिहाजा उसको तो ताउम्र जेल के अंदर ही रहना है। लेकिन ये बात भी हमेशा सामने आती रही है कि वो जेल के अंदर से ही अपना गैंग संचालित करता है
और तमाम छोटे बड़े कामों को अपराध जगत के वो अंजाम भी देता रहता है। ये भी बात सामने आई कि तीनों शूटर जेल में बंद रहने के दौरान पेशी के दौरान ही एक दूसरे से मिले थे और उसी दौरान कुछ बड़ा करने की चाहत में, एक बड़ा माफिया बनने की चाहत में इस तरह की एक बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। और इसके लिए जो लॉजिस्टिकल सपोर्ट है वो बताया जा रहा है कि जेल में बंद इसी सजा याफ्ता माफिया ने मुहैया कराए हैं। बिल्कुल, और ये थ्योरी जो तीनों बता रहे हैं, अब इस थ्योरी को इन्वेस्टिगेट करेगी पुलिस और एसटीएफ, क्योंकि ये भी शक जताया जा रहा है कि कहीं बरगलाने के लिए तो ये थ्योरी नहीं बताई जा रही। लेकिन एक माफिया का यहाँ पर जिक्र हो रहा है, किसकी तरफ ये इशारा कर रहे हैं, उसके नाम को लेकर कोई जानकारी मिल पाई है क्या ऋषभमणि? देखिए, अभी उसके नाम की चर्चा तो जरूर हो रही है, लेकिन अभी जो भी एजेंसीज हैं उनका ये कहना है कि किसी का भी नाम लेना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि इस तरह के जो शूटर्स हैं, इस तरह के अपराधी हैं, वो अपने फायदे के लिए किसी का भी नाम ले सकते हैं। जब तक इन बातों को पुष्ट ना कर लिया जाए, उनको वेरीफाई ना कर लिया जाए, तब तक किसी का नाम लेना ठीक नहीं होगा। क्योंकि ऐसा अक्सर होता है जब इस तरह के हाई प्रोफाइल मामले होते हैं, जब शुरुआती तहकीकात होती है तो कुछ और होता है, और कई बार पूरी जांच के बाद वो मामला कुछ और रंग ले लेता है। तो अभी इसलिए कोई भी कंफर्म होकर बात कहना नहीं चाह रहा है, लेकिन ये शूटर्स ने ये इशारा जरूर दे दिया है कि जेल में बंद एक माफिया है जो सजा याफ्ता है, उसके कहने पर ये सब किया गया है और उसने लॉजिस्टिकल जो सपोर्ट है वो भी प्रोवाइड कराया है। अब इन बातों को प्रूव करना है, इन बातों को वेरीफाई करना ये एजेंसी की जिम्मेदारी बन गई है। जी जी बिल्कुल, तो ये जिम्मेदारी बन गई है। और अब जो थ्योरी इन तीनों ने बताई है एक अन्य माफिया को लेकर कि उसकी शह पर यह हत्याकांड की प्लानिंग रची गई, क्योंकि इनके खुद के सपने थे कि ये बड़े माफिया बन जाएं और अपने अपराध की सल्तनत के बेताब बादशाह कहलाएं और जरायम की दुनिया में इनका भी नाम और खौफ हो। लेकिन इस बीच ऋषभमणि, एक खबर जिसकी चर्चा चल रही है, नासिक से एक शख्स को हिरासत में लिया गया है, वो कौन है और क्या गुड्डू मुस्लिम को लेकर कोई जानकारी है क्या कि वो पकड़ा गया है? देखिए, अभी जो हमारे सोर्सेज एसटीएफ में है वो इस बात को डिनाई कर रहे हैं। इससे कई दिनों से बात की चर्चा जरूर चल रही है कि वो नासिक से उसको पकड़ा गया है, लेकिन अभी उसका डिनायल आया है, अभी इस बात से इनकार किया गया है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, 24 फरवरी को हत्याकांड को अंजाम देने के बाद गुड्डू मुस्लिम झांसी के पास पारीछा में छुपा था, पावर प्लांट कॉलोनी में 2 से 3 दिन, फिर वहां से वो देवास चला गया था इंदौर के पास, और देवास से वो नासिक गया है, ये जानकारी पहले हुई थी, जिसके बाद एसटीएफ की टीम गई थी वहां पर, छापेमारी हुई थी, लेकिन गुड्डू मुस्लिम एसटीएफ के हाथ से निकल गया था। और अभी जो जानकारी हमें मिल रही है एसटीएफ के सोर्सेज से, उसमें भी ये बात निकल के सामने आ रही है कि फिलहाल एसटीएफ के पास गुड्डू मुस्लिम नहीं है, लेकिन उसको गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी चल रही है। जी जी, इस बीच खबर ये भी आ रही है कि उत्तर प्रदेश के अंदर सभी मंत्रियों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, डिप्टी सीएम सीएम सबने कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं और यहां तक कि मीडिया के भी मेल मुलाकात से मना है। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि एक ऐसा घटनाक्रम हुआ है जो बहुत सरप्राइजिंग है, तो इस बात की आशंका से इनकार नहीं किया जा रहा है कि कोई भी ऐसे घटनाक्रम का फायदा उठा सकता है, लिहाजा सतर्कता बढ़ाई गई है और सभी मंत्रियों से भी ये बात कहा है कि उनके पास आने जाने वाले जो लोग हैं, चूंकि चुनावी माहौल भी चल रहा है, तमाम टिकट मांगने वाले लोग से लेकर और जो मंत्रियों के जनता दरबार चलते हैं वहां भी लोग आते जाते रहते हैं, तो कोई भी ऐसा व्यक्ति ना हो जिसकी आइडेंटिटी क्लियर ना हो, जिसकी आइडेंटिटी साफ ना हो, उससे ना मिला जाए, सतर्क रहने के लिए कहा गया है। और मंत्रियों की सुरक्षा में जो पुलिसकर्मी तैनात है उनको भी और सतर्कता बरतने के लिए कहा गया है। अगर मीडिया के बेस में भी कोई आता है तो ये भी कहा गया है कि हाँ, उसकी आईडी जरूर एक बार चेक कर ली जाए, इस बात को कंफर्म कर लिया जाए। ये सतर्कता के दृष्टि से ये सावधानी बरती जा रही है और ये कहा गया है कि जितने भी पुलिसकर्मी हैं, किसी हाई प्रोफाइल मंत्री या किसी हाई प्रोफाइल व्यक्ति की जो सुरक्षा में तैनात है उनको और सतर्क रहने की जरूरत है। जी जी, इस बीच प्रयागराज से जो अपडेट है ऋषभमणि, वो ये कि वहां पर अतीक और अशरफ का पोस्टमार्टम शुरू हो रहा है, सुरक्षा चौकस है, लेकिन शव किसको दिया जाएगा? क्योंकि पिछले बार हमने देखा था झांसी से मना कर दिया गया था कि हम नहीं ले पहुंचाएंगे प्रयागराज शव, जिसको आना है वो खुद लेकर के आए, तो ये कहा जा रहा था कि कौन लेने आएगा शव, शायस्ता परवीन को भी लेकर कई तरह की चर्चाएं हैं, उस पर कोई पुष्ट जानकारी मिली है क्या? देखिए, जो प्रोसेस होती है, दो तरह की डेड बॉडीज होती है, एक लावारिस होती है, दूसरी लादावा, एक होती है अनआइडेंटिफाइड और दूसरी होती है अनक्लेम्ड।
तो ये दोनों ही आइडेंटिफाइड हैं, सब लोग जानते हैं अशरफ कौन है, अतीक कौन है, उनका परिवार क्या है। तो ये अनआइडेंटिफाइड नहीं है। अनआइडेंटिफाइड के लिए 72 घंटे इंतजार करना पड़ता है, उसके बाद पोस्टमार्टम होता है। तो अब अभी भी ये अनक्लेम्ड हैं, ये लादावा हैं, जिसको पुलिस की भाषा में कहा जाता है कि कोई आए और अपना दावा पेश करे, हाँ हम अपनी ये डेड बॉडी ले जाना चाहते हैं, अपना रिश्ता बताएगा, अपनी आइडेंटिटी देगा, और जब पुलिस मुतमईन संतुष्ट हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी, तो उनको वो बॉडी हैंड ओवर कर दी जाएगी। हाँ, प्रयागराज के सोर्सेज हमें कंफर्म जरूर कर रहे हैं कि अभी तक किसी ने भी अपना दावा पेश नहीं किया है कि अशरफ और अतीक के शव को हम ले जाएंगे। उधर पोस्टमार्टम की कार्रवाई चल रही है, और जैसा होता है NHRC की भी गाइडलाइंस है, और ये हाई प्रोफाइल मामला है, लिहाजा डॉक्टर का पैनल इसका पोस्टमार्टम करेगा, इसकी पूरी वीडियोग्राफी करवाई जाएगी। अपने कागजात पुलिस इतने मजबूत जरूर रखेगी कि आगे अगर कोई इस हत्याकांड को किसी ऊपरी कोर्ट में अंजाम चुनौती दी जाती है तो पुलिस वहां पर मौजूद, वहां मजबूत रहे। और इस तरह के जो हाई प्रोफाइल मामले होते हैं, मजिस्ट्रियल जांच की उसकी कराई ही जाती है। खुद CM योगी ने कल जब संज्ञान दिया था तो 3 सदस्यीय जुडिशियल कमीशन बना दिया था। अब जुडिशियल कमीशन जब वो अपनी रिपोर्ट पेश करेगा और उसके आधार पर ही तमाम चीजें ऑफिशियली बताने की स्थिति में होगी सरकार, ऐसे सोर्सेज हमें बता रहे हैं। जी जी, आप बने रहिएगा हमारे साथ ऋषभमणि, हम आपसे लगातार अपडेट्स लेते रहेंगे। और बड़ी खबर दे दें, अतीक की सजा पर सूरज कली बोली, कर्मों का हिसाब एक दिन होता ही है। सूरज कली 33 साल से लड़ाई लड़ रही थी, आज बोलने की हिम्मत जुटा पाई, अतीक के खिलाफ लड़ाई लड़ रही थी। अतीक पर 12 बीघा जमीन कब्जाने का आरोप है, सूरज कली की जमीन हड़प ली गई थी और महिला के पति की जान चली गई थी। इस पूरी कार How far will you go for a memory to seize the day? अब होता ही है। अतीक और अशरफ जिस तरह से मारे गए उस पर प्रतिक्रिया दी है सूरज कली ने, जो कि 33 साल से लड़ाई लड़ रही है। सुनिए क्या कहा। तो आप जो है तो चुपचाप बैठ जाओ, और नहीं जैसे तुम्हारे पति नहीं दिखे आज कब से, वैसे ही नहीं देखेंगे। तो आपके पति को भी अतीक अहमद ने ही गायब किया था, कब गायब किया था? तो तभी उसी दरिया में अपना गायब कर दिए, नहीं देखने के मिले उसी तरीके तुम्हारे बच्चे तुमको हम कर देंगे, और नहीं तो मान जाओ। गंदी गंदी बातें कही जो है तो उन्हें मारपीट पे उतारू है, कहीं जमीन छोड़ दो हमारा जो है तो उन्हें जमीन कही के। तो सूरज कली 33 साल से लंबी लड़ाई लड़ रही है, 12 बीघा जमीन पर अतीक और उसके गुर्गों ने कब्जा किया था, और उनका कहना है कि पति को गायब कर दिया गया, आज तक उनका कोई पता नहीं है, उनकी जान चली गई है। और यह भी धमकी दी थी कि जैसे पति के साथ किया है ऐसे ही तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के साथ करेंगे। वो सूरज कली अब कह रही है कि एक दिन कर्मों का हिसाब होता ही है। 12 बीघा जमीन, 33 साल की लंबी लड़ाई, अतीक और अशरफ की शूटआउट में हुई हत्या के बाद वो सूरज कली, और न जाने ऐसे कितने लोग होंगे जिनकी जमीनें मकान हड़पने के आरोप अतीक और उनके गुर्गों पर है। इतने साल तक बोलने की हिम्मत नहीं आई, आज मीडिया के सामने वो अकेली औरत जिसके पति को गायब कर दिया गया, जिसके बच्चों को जान से मारने की धमकी दी गई कि जो पति के साथ किया वही तुम्हारे साथ करेंगे, वो आज कह रही है कि कर्मों का हिसाब होता ही है। तो दो तस्वीरें आपके सामने, ये पूरा शूटआउट हत्याकांड किस तरीके से हुआ, तीनों ही शूटर्स आपको दिख रहे हैं, लवलेश, सनी और अरुण मौर्या, और तीनों ने फौरन सरेंडर कर दिया, पिस्तौल फेंक कर, हाथ ऊपर करके, और जय श्री राम के नारे लगाए। और दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं कि फौरन पुलिस जो है सतर्क हो गई, पूरे प्रयागराज की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, पूरे प्रदेश में धारा 144 लागू कर दी गई है। उधर अतीक और अशरफ के मर्डर पर वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि यह आसमानी फैसला है। यूपी में कानून व्यवस्था के सवाल पर वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने प्रतिक्रिया दी कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए सरकार पूरी तरह से सक्षम है। उन्होंने कहा कि अब जुल्म की इंतहा होती है तो कुछ फैसले आसमान से होते हैं। इंतहा होती है तो कुछ फैसले आसमान से होते हैं, तो ये आसमानी फैसला है, तो क्या कहें। कानून व्यवस्था पे सवाल उठ रहे हैं, कानून व्यवस्था, कानून व्यवस्था सरकार पूरी तरीके से लाइन डाटर मेंटेन करने के लिए सक्षम भी है, और सरकार ने भरपूर प्रयास भी किया।
अमन चैन कायम करने की वजह से ही दोबारा सत्ता में आई है। तो जो लोग किसी न किसी रूप में अपराधी हैं और जो खास तौर से पेशेवर अपराधी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी हुई है। और ये फैसले जिस तरीके से जो घटना हुई है वो तो मैं समझता हूँ कि ये तो कुदरत का फैसला है। हम इसमें क्या कहें, कुदरत ने ऐसा किया होता नहीं, कुछ 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 चीजें ऐसी घटित होती हैं। तो ये वैसी ही घटना है, पुलिस पर सवाल नहीं, पुलिस पर। तो माफिया ब्रदर सतीक और अशरफ की हत्या पर जेल मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने कहा कि ये लोगों की बद्दुआ है जिसे भगवान ने सुना और उसी का ये परिणाम है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रयागराज की जनता को माफिया राज से अब मुक्ति मिली है। भगवान ने जिन इन लोगों ने जिनका उत्पीड़न किया था और तमाम जमीनों पर कब्जा, तमाम लोगों को दुनिया से विदा कर दिया, तो कहीं ना कहीं ईश्वर ने उत्तर प्रदेश की जनता को न्याय दिया है और एक मैं कह सकता हूं कि माफिया राज से एक मुक्ति उत्तर प्रदेश की जनता को और विशेष करके नैनी प्रयाग को मिली है। मैं कह सकता हूं कि जिन लोगों को इन्होंने सताया है कहीं ना कहीं उनकी बद्दुआएं और ईश्वर ने सुनी है और ईश्वर ने उनकी बद्दुआओं के आधार पर यह निर्णय हुआ है। तो मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने बयान दिया और कहा कि जो बद्दुआ लोगों ने दी उसको भगवान ने सुना और इस तरह माफिया अतीक और अशरफ का ये अंत हुआ। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं गांव में किस तरह की हलचल है। तीनों ही शूटर्स अरुण मौर्या, सनी और लवलेश, उनके घरों में किस प्रकार की चर्चा है। और ये दो तस्वीरें बीती रात की, पहली तस्वीर सरेंडर करते वक्त और जय श्री राम के नारे लगाकर तीनों ने सरेंडर किया, पिस्तौल एक तरफ फेंकी, पहले ताबड़तोड़ गोलियां चलाई और उसके बाद पूरे प्रयागराज में सुरक्षा को हाई अलर्ट पर डाल दिया गया। रिपोर्टर बनकर एंट्री की, माइक लेकर बकायदा आए, माइक फेंका, पिस्तौल निकाली और सर से सटाकर गोली चलाई अतीक के ऊपर और फिर ताबड़तोड़ फायरिंग जिसमें अशरफ और अतीक दोनों की मौत हो गई। और उसके बाद आप देख रहे हैं सरेंडर किया, चिल्लाया, सरेंडर करते हैं हम, सरेंडर करते हैं, पुलिस ने फौरन जमीन पर लिटा दिया, जय श्री राम के नारे इन्होंने लगाए और उसके बाद पुलिस उन्हें अरेस्ट करके अपने साथ ले गई। नहीं ले गए तो नहीं गए। प्रयागराज में माफिया ब्रदर्स का मर्डर, चौवालीस साल का आतंक 44 सेकंड में खत्म। अचानक हमला, मारे गए माफिया भाई। और शूटआउट में खत्म। अलर्ट पर यूपी, न्यूज 18 पर आंखों देखी। धारा 144 लागू, एक्शन में पुलिस प्रशासन। माफिया अतीक और अशरफ का दी एंड। न्यूज 18 पर अपडेट के साथ हर सीन। नहीं ले गए तो नहीं गए।
और अब आपको दिखाते हैं कैसे 51 दिनों में अतीक के आतंक का खात्मा हुआ है, कैसे उमेश पाल हत्याकांड के बाद माफिया परिवार का सर्वनाश शुरू हो गया, क्योंकि अतीक ने उमेश पाल के मर्डर की स्क्रिप्ट के साथ अपने खुद के अंत की कहानी भी लिख डाली थी। पहले अतीक के बेटे असद समेत 4 शूटर्स का एनकाउंटर हुआ और अब भाई अशरफ के साथ ही अतीक के आतंक का भी दी एंड हो गया। जिस अतीक के खौफ और आतंक से लोग दहशत में रहते थे, उस अतीक को ऐसी मौत मिलेगी किसी ने सोचा नहीं था। पिछले 51 दिन अतीक के लिए कयामत के रहे। 15 दिन में 2 बार वो साबरमती जेल से प्रयागराज आया गया, उम्र कैद की सजा हुई। 3रे नंबर का बेटा असद एनकाउंटर में मारा गया। अतीक 4 दिन की पुलिस रिमांड पर था और मेडिकल के लिए अस्पताल जा रहा था, लेकिन देर रात पुलिस कस्टडी में अतीक और अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई। कोई डर लग रहा आपको? हमारा परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो गया और एक सवाल कोई कर रहा था कि माफियागिरी की समाप्ति, माफियागिरी की समाप्ति पहले ही हो चुकी थी, अब तो खाली रगड़ा जा रहा। साबरमती से लौटते वक्त अतीक बोला था, मेरा परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो गया, माफियागिरी तो पहले ही समाप्त हो गई, अब तो बस रगड़ा जा रहा है। अतीक को पता था जहां उसे ले जाया जा रहा है वहां उसके दुश्मन अब भी उसका इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि 1989 से उसने जिस आतंक की कहानी लिखी थी और 2023 में भी उसे दोहराने की कोशिश की, उसका अंत हो गया। वो मेडिकल के लिए लाया गया था और मीडिया के लोग, पत्रकार जो है साथ में थे और बाइट ले रहे थे, इसी में प्राथमिक जानकारी के अनुसार 3 लोग मीडिया कर्मी बन के आए और वो मीडिया कर्मी बन के उन्होंने वहां पे बाइट लेने का प्रयास किया, उसी के अंतर्गत उन्होंने ये इंसिडेंट हुआ है जिसमें उन्होंने फायर किया है। इसमें 3 लोगों को अभी पकड़ा गया है, उनसे पूछताछ अभी हम कर रहे हैं और इसमें इनकी अतीक और अशरफ की डेथ हुई है। ये तस्वीर भले ही आपको विचलित कर रही हो, लेकिन एक ऐसा भी दौर था जब अतीक का आतंक अपने चरम पर था। अतीक का एक ऐसा समय था कि उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करना भी संभव नहीं था। 5 फीट 6 इंच का ये बाहुबली जमीन हड़पने, रंगबाजी, किडनैपिंग, हत्या जैसे अपराध में शामिल था और उसके आतंक को राजनीतिक संरक्षण भी प्राप्त था। और यही वजह है कि अतीक की मौत पर जैसी करनी वैसी भरनी जैसे बयान सामने आ रहे हैं। जब जुल्म की इंतहा होती है या जब अपराध का पराकाष्ठा होती है तो कुछ फैसले आसमान से होते हैं, और मैं समझता हूं कि ये कुदरत का फैसला है और इसमें किसी भी कमेंट की आवश्यकता ही नहीं है। बाकी तो बात जब पूरी परिस्थिति सब सामने आएगी तब हम कहेंगे, लेकिन जितना हमको जानकारी मिली और जो कुछ मैंने इस पर टीवी पर देखा है उस पर हम इतना ही कह सकते हैं कि एक तरीके का आसमानी। भले ही माफिया अतीक अब इस दुनिया में ना हो, लेकिन अतीक की क्राइम कुंडली पर अगर नजर डालें तो आपके भी होश फाख्ता हो जाएंगे। 100 से ज्यादा आपराधिक केस, 1989 में चांद बाबा की हत्या, 2002 में नस्सन की हत्या, 2004 में बीजेपी नेता की हत्या, 2005 में राजू पाल की हत्या, 2023 उमेश पाल का मर्डर, और यही अतीक की मौत की वजह बना। क्योंकि जिस तरह उमेश पाल शूटआउट से प्रयागराज को दहलाने की कोशिश हुई, दहशत फैलाने की साजिश हुई, उसके 4 किरदार तो पहले ही अल्लाह के प्यारे हो गए और अब साबरमती और बरेली जेल में उमेश के मर्डर की स्क्रिप्ट लिखने वाले उत्तर प्रदेश के कुख्यात अपराधी और माफिया डॉन का काम तमाम हो गया। और 51 दिनों की भागदौड़ी का शूटआउट से दी एंड हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद की 22 राउंड फायरिंग करके हत्या कर दी गई। यह हत्याकांड उस वक्त हुआ जब पुलिस भारी सिक्योरिटी में उसे मेडिकल के लिए ले जा रही थी और बीच में अतीक और अशरफ मीडिया से बातचीत के लिए रुके और दोनों के सर में गोली मार दी गई। इस खौफनाक हत्या का वीडियो न्यूज 18 के कैमरे पर कैद हो गया है। आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं।
नहीं ले गए तो नहीं गए। उत्तर प्रदेश का सबसे दुर्दांत अपराधी जिसने 44 साल से आतंक मचा रखा था उसका खात्मा हो गया। अतीक पर ताबड़तोड़ फायरिंग करने वाले ये तीन शूटर्स जिसने बिल्कुल पास से गोली मारी और एक झट 60 रुपए तीनों हमलावर मीडिया कर्मी के बीच छिपे थे और जैसे ही अतीक सवालों का जवाब देने लगा तभी एक गोली उसके सिर के आर पार हो गई और फिर ताबड़तोड़ 22 राउंड फायरिंग में अतीक अपने भाई अशरफ के साथ जमीन पर नजर आया। आदेश जारी किया गया आपकी तरफ से? आदेश ये दिया गया है हम लोगों को कि अभी जब तक किसी उच्च अधिकारी का आदेश नहीं मिलेगा उमेश पाल के घर में किसी भी आदमी को या मीडिया को अभी न जाने दिया जाए। सुरक्षा को लेकर क्या बढ़ाई गई? दृष्टि से अभी रोक लगाई गई है, यहाँ पे सुरक्षा बढ़ाई गई है। जैसे अतीक के मर्डर की खबर मिली पूरे उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया, प्रयागराज को सील कर दिया गया, तीनों शूटर्स को गिरफ्त में ले लिया गया जिसकी पहचान भी हो गई है। जानकारी है जिसने अतीक को मौत के घाट उतारा उन सभी का क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, वो साजिशन अतीक को मारने की पहले ही प्लानिंग बना चुके थे और साबरमती जेल से प्रयागराज लौटने के बाद वो अतीक को मारने के लिए बार बार रेकी कर रहे थे। मैं इनको मेडिकल के लिए लाया गया था और मीडिया के लोग पत्रकार जो है साथ में थे और बाइट ले रहे थे, इसी में प्राथमिक जानकारी के अनुसार तीन लोग मीडिया कर्मी बन के आए और वो मीडिया कर्मी बन के उन्होंने वहाँ पे बाइट लेने का प्रयास किया, उसी के अंतर्गत उन्होंने ये इंसिडेंट हुआ है जिसमें उन्होंने फायर किया है। इसमें तीन लोगों को अभी पकड़ा गया है, उनसे पूछताछ अभी हम कर रहे हैं और इसमें इनकी अतीक और अशरफ की डेथ हुई है। उमेश पाल मर्डर केस में अब तक असद समेत 4 शूटर्स का एनकाउंटर हो चुका है और उमेश पाल मर्डर से आहत होकर 3 शूटर्स ने अतीक और उसके भाई अशरफ की कैमरे के सामने हत्या कर दी और बड़ी बात ये न्यूज 18 की टीम भी मौके पर मौजूद थी जिसके कैमरे में पूरी वारदात कैद हो गई। मीडिया के कर्मी भी यहाँ मौजूद थे, पुलिस के 20 के करीब करीब कर्मी थे, 3 गाड़ियां थी और ऑलरेडी 2-3 पुलिस कर्मी यहाँ मौजूद थे इसी रास्ते पे होते हुए। देखिए ये स्लोप भी इतना था कि इम्बैलेंसमेंट हो रहा था, बैलेंस नहीं बन पा रहा था जैसे हम लोग चल रहे हैं। और उसके बाद सवाल उनसे पूछे गए कि आप क्यों नहीं आए, उसने कहा नहीं नहीं बोला, भेजा तो नहीं गए। और उसके बाद जैसे ही उसने गुड्डू मुस्लिम बोला अशरफ ने, तो ताबड़तोड़ अचानक गोलियां यहाँ चलने लगी, समझ नहीं पाए क्या हुआ। इसके दौरान पुलिसकर्मी भी छटक के एक दूसरी तरफ चले गए मगर हम लगातार मैं और मेरा कैमरामैन। बिल्कुल, तो पूरी प्लानिंग के साथ अतीक और अशरफ के हत्याकांड को अंजाम दिया गया। ये तीनों ही आरोपी जिन्होंने सरेंडर किया, बताया जा रहा है कि 2-3 दिन पहले यहां रेकी करने भी आए थे और सही मौका देखकर रिपोर्टर के भेस में एंट्री की और जैसे ही वो मीडिया के कैमरों के सामने आए ताबड़तोड़ गोलियां चलाई और हाथ उठाकर गन फेंक कर वहां सरेंडर कर दिया। और भी बहुत सी अपडेट अतीक और अशरफ हत्याकांड से जुड़ी हुई, नजर डालेंगे हेडलाइंस पर, फौरन लौटते हैं उसके बाद। अतीक और अशरफ दोनों का कड़ी सुरक्षा के बीच गोलियों से भून कर मर्डर, मेडिकल के लिए ले जाते वक्त पुलिस वालों के सामने मारी गई ताबड़तोड़ 22 गोलियां, महज 44 सेकंड में माफिया ब्रदर्स का खेल खत्म। अतीक और अशरफ के पोस्टमार्टम की प्रक्रिया जारी, प्रयागराज के कसारी मसारी कब्रिस्तान में खोदी जा रही दोनों की कब्रें, संदिग्धों पर रखी जा रही है नजर। रिपोर्टर बनकर आए थे तीनों हमलावर, एक हमीरपुर, एक बांदा और एक कासगंज का रहने वाला, तीनों हमलावरों का मिला आपराधिक इतिहास।
अतीक और अशरफ की हत्या में जिगाना पिस्टल का इस्तेमाल, सिद्धू मूसेवाला मर्डर में भी इसी कंपनी की पिस्टल से किया गया था मर्डर, पंजाब आर्म्स डीलर से जुड़ते नजर आ रहे हैं मर्डर केस के तार। हर दो घंटे पर मुख्यमंत्री योगी ले रहे हैं प्रदेश भर में कानून व्यवस्था का अपडेट, अफसरों से मीटिंग कर दिए सख्त निर्देश, हर हाल में कायम रहे शांति व्यवस्था, प्रदेश के सभी जिलों में धारा 144 लागू। माफिया ब्रदर्स के हत्याकांड पर योगी सरकार के मंत्रियों का बयान, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा यह आसमानी फैसला है, जेल मंत्री बोले दोनों भाइयों को लगी लोगों की बद्दुआ। उमेश पाल हत्याकांड में यूपी एसटीएफ की कार्रवाई, नासिक से संदिग्ध को हिरासत में लिया गया, एसटीएफ को मिली थी बमबाज गुड्डू मुस्लिम के छिपे होने की खबर। शाहजहांपुर में बड़ी मृतकों की संख्या, 15 पहुंचा मरने वालों का आंकड़ा, घायलों का आंकड़ा भी, कई अस्पताल में इलाज जारी, कई की हालत गंभीर। आप देख रहे हैं न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। तो न्यूज 18 पर बड़ी कवरेज लगातार जारी है, अतीक और अशरफ हत्याकांड पर हर बड़ी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। और सबसे पहले 10 बड़ी खबरों पर नजर डाल लेते हैं कि कल रात से अब तक क्या क्या हुआ। अतीक अशरफ के मर्डर के बाद सीएम आवास की सुरक्षा बढ़ाई गई, भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई, सीएम आवास पर जाने पर पाबंदी। हत्याकांड के बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य के आवास की भी बढ़ाई गई सुरक्षा, अतिरिक्त बल की तैनाती की गई। अतीक और अशरफ के मर्डर पर वित्त मंत्री सुरेश खन्ना का बयान, कहा यह आसमानी फैसला है, प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में सरकार पूरी तरीके से सक्षम। अतीक अशरफ की हत्या के बाद इलाके में पसरा सन्नाटा, अतीक के घर के आसपास का इलाका सुनसान। आज ही सुपुर्द खाक होंगे अतीक अशरफ, कसारी मसारी कब्रिस्तान में दफनाए जाएंगे दोनों भाई, असद की कब्र के पास दफनाए जाएंगे अतीक और अशरफ। प्रयागराज में अतीक अहमद और अशरफ की सरेआम हत्या के बाद दहशत में माफिया मुख्तार, सूत्रों के मुताबिक बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी पूरी रात सो नहीं पाया, टहलते हुए बिताई रात। अतीक अशरफ शूटआउट केस में प्रयागराज के होटल में पुलिस की रेड, होटल के कमरे से तीनों शूटर्स के सामान मिले होटल के कमरे। दागुड़ मूतल दोंगाटनी मुगिंचडानिकी एक्कुव गाली कावालंटे अतीक अशरफ मर्डर केस में पंजाब कनेक्शन का शक, मर्डर के पीछे इंटरनेशनल आर्म्स डीलर के होने की आशंका, राज खुलने के डर से वारदात को अंजाम दिलाने से इनकार। प्रयागराज शहर में शांति व्यवस्था को लेकर प्रशासन अलर्ट, पुलिस कमिश्नर ने खुल्दाबाद शाहगंज में किया फ्लैग मार्च, मोतीलाल नेहरू मंडलीय चिकित्सा काल्विन का भी लिया जायजा। हत्याकांड के बाद एक्शन में सीएम योगी, कहा अफवाहों पर ध्यान ना दे, अफवाह फैलाने वालों पर हो सख्त कार्रवाई, कानून व्यवस्था का सख्ती से हो पालन। और बड़ी खबर, अतीक अशरफ हत्या मामले में जो एफआईआर हुई है उसके माध्यम से खुलासा हुआ है, खालिस्तानी संगठनों से अतीक के कनेक्शन बताए जा रहे हैं, आईएसआई और लश्कर से भी संबंधों का जिक्र हो चुका है, अतीक की निशानदेही पर बरामद हुए थे हथियार और पाकिस्तान की फैक्ट्री में बने हुए थे ये हथियार, उमेश पाल की हत्या में इन हथियारों का इस्तेमाल हुआ था और ऐसे ही हथियार बेटे असद और गुलाम उनके पास से भी मिले थे। अतीक अशरफ हत्या से जुड़ा ये पूरा मामला है, फायरिंग में एक कांस्टेबल को भी गोली लगी है, तीनों शूटर्स के खिलाफ मामला दर्ज हो चुका है। अतीक अशरफ मर्डर से जुड़ी हुई बड़ी खबर, जेल में बंद एक अन्य सजायाफ्ता माफिया पर शक जताया जा रहा है, ये थ्योरी इन्हीं तीनों शूटर्स ने यूपीएसटीएफ को बताई है। हत्याकांड की साजिश रचने का शक उस सजायाफ्ता माफिया पर, माफिया के गुर्गों ने हथियार मुहैया कराए तीनों को, हमलावरों को सपना दिखाया गया
कि वो बड़े माफिया बन जाएंगे अतीक और अशरफ को मारने के बाद, और गिरफ्तार होने पर जेल में दिक्कत नहीं होगी, ऐसा भी भरोसा दिया गया। उमेश पाल हत्याकांड के बाद ये प्लान बनाया गया था, अतीक अशरफ की हत्या का प्लान एक अन्य सजायाफ्ता माफिया ने जेल के अंदर से बनाया। अतीक अशरफ के आने जाने की रेकी की गई। नासिक में यूपीएसटीएफ ने एक्शन लिया है और एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है। गुड्डू मुस्लिम की लोकेशन मिलने के बाद यह कार्रवाई हुई है और बताया जा रहा है कि वहां का एक होटल वेलकम है जिसमें रुका था गुड्डू। सोर्सेस बता रहे हैं अतीक अशरफ की हत्या के मामले में अब एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। बड़ी अपडेट्स क्या है और किस तरह की साजिशें, तार और डॉट्स मिले हैं, उन सब के बारे में जान लीजिए। तीनों शूटर्स के खिलाफ केस दर्ज, प्रयागराज के शाहगंज थाने में एफआईआर हुई है। लवलेश जो आरोपी है उम्र 22 साल है, सरी की उम्र 23 साल है और अरुण मौर्य 18 साल का बताया जा रहा है। अतीक अशरफ आज ही सुपुर्दे खाक किए जाएंगे। कसारी मसारी कब्रिस्तान में कब्रें भी खोदी जा रही हैं। और सीधे अब आपको लिए चलते हैं, हमारे सहयोगी अमित गंजू हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, वो भी इस घटना को बीती रात से ही कवर कर रहे हैं। और जब ये पूरा हत्याकांड हुआ, मीडिया के कैमरों के सामने जब वक्तव्य दे रहे थे अतीक और अशरफ, जो माइक्स लगे हुए थे उसमें अमित गंजू भी थे। अमित, कहा यह जा रहा है कि पोस्टमार्टम तो शुरू हो गया है, सुपुर्दे खाक आज ही होंगे, कब्रें भी खोद ली गई हैं, लेकिन उनके शवों को लेने कौन जाएगा, इस पर कोई जानकारी अभी तक मिल पाई है क्या? देखिए आस्था जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि न्यूज 18 की टीम इस वक्त उन्हीं के गांव में मौजूद है और उनके गांव के लोगों का कहना है कि हम जो इनके खून खानदान के लोग हैं या जो इनसे ब्लड रिलेशन के हैं वही सिर्फ ले जाएंगे, वहां आसपास के लोगों से इसका कोई कंसर्न नहीं है। जैसे जिस नाना की बात की जा रही थी, उसने सेहत का हवाला दिया था कि मैं झांसी नहीं जा सकता मगर वो यहाँ जरूर जाएंगे। जिस मौसा ने बताया था कि उसको हाइपरटेंशन की शिकायत है, उसने कहा मैं शव लेना जरूर जाऊंगा। जिस चचेरे साले ने कहा था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे फ्लक्चुएशन ऑफ बीपी रहता है, वो लेने जाएगा। इसके अलावा उनके असद के फूफा जाएंगे, असद के मौसा, असद के नाना और जो अतीक के भाई अशरफ, उसका साले चचेरा साला जाएगा। इतने लोगों के अभी तक आया। इन सब के बीच एक अपडेट ये है कि 17 लोग अभी तक तैयार हुए हैं शव लेने के लिए, और लेकिन उनके मन में डर बैठा है इस बात का नहीं कि उनको कोई हमला कर देगा, इस बात का कि इनकी इन चक्कर में कहीं हम लोग ना फंस जाएं। बार बार इसलिए वो कैमरा बंद करने की गुजारिश कर रहे थे और इसके बाद ऐसा हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के आसपास वो लोग हैं और अधिकारियों के संपर्क में हैं, वो ACP के संपर्क में है, वो SHO के संपर्क में है, ताकि जैसे ही पोस्टमार्टम हो जाए और ऑटोप्सी रिपोर्ट उनको मिले उसके बाद उसको लेके वो जो इनके चकिया स्थित इनका आवास है वहां ले जाने की बात कह रहे थे। अब प्रशासनिक अधिकारियों ने उस बात इतना संज्ञान लिया और उसके बाद वहां जो मस्जिद बनी है इनके घर के पास, वही कब्रिस्तान है, उसी में गड्ढा खुदाई की काम चल रहा है, कब्र खोदने का काम चल रहा है, दोनों की कब्रें खोदी जा रही है। ऐसा माना जा रहा है कम से कम अभी 2.5 से 3 घंटा और लग सकता है ये माना जाए, उससे थोड़ा ज्यादा, क्योंकि गर्मी इस वक्त बहुत है, 42 डिग्री टेम्परेचर इस वक्त है और जो कब्र खोदने वाले हैं वो सिर्फ 2 लोग हैं। उनका कहना है कि हम इसको पूरी, इसका एक साइज होता है 7.5x3x4 फुट का, हम इसको पूरा इसकी खराती वो बनाते हुए बनाएंगे, इसके खांचे बनाए जाते हैं ताकि इस खांचे बनाने में समय लगता है, इसमें लगभग 4 घंटा और अभी लग सकता है। तो ऐसा माना जा रहा है कि 3.5-4 तक ये बन सकता है और उसके बाद इस दौरान जो डॉक्टर्स का पैनल की बात की गई थी, वीडियो फोटोग्राफी हो रही है, आपसे जानकारी और चर्चा जारी रहेगी। इस बीच सर्वेश दुबे का रुख कर लेते हैं और वो वहां पर है जहां पोस्टमार्टम चल रहा है, कोई एम्बुलेंस वहां पर पहुंची है, कुछ हलचल तेज है? देखिए निश्चित तौर पर अब यहां पर तैयारी हो रही है और अतीक अहमद और अशरफ का यहाँ पर शव देर रात लाया गया था और उसके बाद यहाँ पर अब यहाँ पर पोस्टमार्टम शुरू हो गया है बताया जा रहा है। और यहाँ पर 2 शव वाहन, एक शव वाहन पहले आया था जो कि तेज बहादुर सप्रू अस्पताल से आया था और दूसरा अभी शव वाहन यहाँ पर आया है, ये दोनों गवर्नमेंट के ही हैं यहाँ पर। और यहाँ पर कुछ लोग पहुंचे हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो कहाँ से आए हैं और किस लिए। दरअसल 2 बॉडीज यहाँ पर है और उसी लिए यहाँ पर ये आए हैं। भैया कहाँ से आए हैं आप? कहाँ से आए हैं? किसका शव ले जाने हैं भैया? शव वाहन लेके तो ये बातचीत नहीं कर रहे हैं, शायद है कि इनको भी रोका गया है बातचीत करने से। लेकिन साफ तौर पर आप देखिए कि एक एम्बुलेंस पहले, एक शव वाहन पहले आया था और दूसरा शव वाहन अभी आया है, तो साफ तौर पर देखिए कि
यहाँ पर अंदर पोस्टमार्टम की कार्रवाई चल रही है, डॉक्टरों के पैनल से पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और ये माना जा रहा है करीब 2 बजे तक पोस्टमार्टम की कार्रवाई को पूरा कर लिया जाएगा और दोनों शव वाहन यहाँ पर आ चुके हैं। इन शव वाहन के जरिए ही यहाँ से शव को कसारी मसारी कब्रिस्तान भेजा जाएगा और वहां पर कब्र खोदने का काम भी लगभग पूरा किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो हलचल है वो बढ़ी हुई है, यहाँ पर सिक्योरिटी भी अब पहुंच चुकी है, सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स भी सामने आप देख सकते हैं और यहाँ पर सिर्फ मीडिया के कैमरे हैं। और अगर बात करें कि अतीक अहमद के परिवार के करीबी रिश्तेदार कोई भी यहाँ पर मौजूद नहीं है, हो सकता है कि लिया था सुपुर्दगी में तो उसी तरह से असद की नाना या कोई और जो है जो रिश्तेदार हैं उनके मौसा और फूफा ऐसे कोई लोग यहाँ पर अतीक अहमद और अशरफ के शव को अपने कब्जे में लें और उसके बाद आगे की जो प्रक्रिया है शव दफनाने की और सुपुर्द खाक किए जाने की वो कार्रवाई यहाँ पर की जा सके। लेकिन फिलहाल अभी एक बार हलचल बढ़ी हुई है और ये हलचल बढ़ी हुई है सिर्फ इसलिए क्योंकि अब यहाँ पर डॉक्टरों के पैनल और वीडियोग्राफी कराई जा रही है और यहाँ पर पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। कल जिस तरह से देर शाम को यहाँ पर पूरी घटना हुई थी, पूरी वारदात हुई थी, उसने सबको दहला कर रख दिया है और इसी वजह से शहर में शांति बने रहे। रविवार का दिन है, तमाम दुकानें तमाम इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ है और इसके साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यह कि इंटरनेट सेवाएं भी इस इलाके में बंद हैं, खासतौर पर चकिया का इलाका, धूमनगंज का और कोतवाली का क्षेत्र जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं, इन सब इलाकों में नेट बिल्कुल नहीं चल रहा है, इंटरनेट की सेवाएं बंद हैं, कॉल भी ड्रॉप हो रही है, बड़ी मुश्किल से कॉल लग रही है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि अब पोस्टमार्टम की कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है और अभी कोई बड़े अगला अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। एसीपी सत्येंद्र पी तिवारी यहाँ पर पहुंचे थे, सत्येंद्र पी तिवारी के जाने के बाद कोई और अधिकारी यहाँ पर नहीं पहुंचा, लेकिन ये माना जा रहा है कि अब जो कार्रवाई है वो यहाँ पर की जा रही है और जल्दी जो पोस्टमार्टम की कार्रवाई है वो पूरी कर ली जाएगी और उसके बाद शवों को यहाँ से कब्रिस्तान के लिए, जो कसारी मसारी कब्रिस्तान है वहाँ के लिए भेजा जाएगा, वो तैयारी यहाँ पर की जा रही है। लेकिन अभी की जो अभी जो जानकारी है उसके मुताबिक अभी यहाँ पर पोस्टमार्टम की कार्रवाई यहाँ पर चल रही है और लगातार जो है यहाँ पर जो शव वाहन है दो वो शव वाहन भी यहाँ पर आ गए हैं ताकि पोस्टमार्टम की कार्रवाई पूरी होने के बाद यहाँ से शवों को ले जाया जा सके। तो ये कह सकते हैं कि अभी जो हालात हैं कुल मिलाकर सामान्य, FIR भी इस मामले में हो चुकी है। दर्शकों को बता दें कि FIR भी कराई जा चुकी है और अतीक अहमद का पाकिस्तान का कनेक्शन और खालिस्तान कनेक्शन, इसके अलावा लक्षरत-ए-तैयबा का जो कनेक्शन है, ये तमाम कनेक्शन भी सामने आए हैं और इन सब मामलों में जांच चल रही थी और इस बीच जो घटना हुई है वो 3 हमलावर आते हैं जिनमें से लवलेश तिवारी, सनी और इसके साथ साथ अरुण मौर्य, तीनों अलग अलग शहरों के हैं, बांदा, हमीरपुर और कासगंज के, और उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस इस मामले का पता लगाने में जुटी है, जानकारी जुटा रही है कि आखिर इसके पीछे वजह क्या है और किस वजह से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। तो बहुत कुछ अभी तक साफ नहीं है लेकिन ये कहा जा रहा है कि बड़े अपराधी बनने के लालच में इन तीनों युवाओं ने, जिनकी उम्र 19 से 23 वर्ष के बीच है, इन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है और माफिया अतीक अहमद और अशरफ जो उसका भाई है, दोनों का करीब 40 साल का जो आपराधिक, 4 दशक का जो आपराधिक साम्राज्य था उसको पूरी तरह से तहस नहस कर दिया, उसे पूरी तरह से मिट्टी में मिला दिया है। तो ये कह सकते हैं कि एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पर हुई है, एक बड़ी घटना हुई है और अब यहाँ पर शवों का अंतिम संस्कार के लिए पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, और पोस्टमार्टम इस वक्त चल रहा है, सभी तैयारियां कर ली गई हैं, लेकिन सर्वेश कौन शव लेने आएगा इस पर अभी तक कोई स्पष्ट जानकारी मिल पाई है क्या? इससे पहले जब बेटे असद और गुलाम की बारी थी तो उसके फूफा पहुंचे थे, नाना पहुंचे थे शव लेने के लिए, पर अब अतीक और अशरफ की बारी है तो परिवार का क्या किसी ने अभी तक दावा किया है इन शवों को लेकर जो प्रक्रिया कहती है? देखिए अच्छा सवाल है आपका, अभी तक किसी ने कोई दावा नहीं किया है और यहाँ पर कोई करीबी रिश्तेदार या कोई परिजन भी यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं, लेकिन ये माना जा रहा है कि जब पोस्टमार्टम की कार्रवाई हो जाएगी तो पुलिस जो है वो उन्हीं लोगों से संपर्क करेगी जिन्होंने असद का शव जो है वो अपनी सुपुर्दगी में लिया था, उनके नाना और उनके मौसा और इसके साथ साथ जो फूफा हैं, तो ये जो तमाम करीबी रिश्तेदार हैं उन्हीं को पुलिस संपर्क करेगी और कोशिश करेगी कि वो लोग आए और यहाँ से शव को अपने कब्जे में लें, क्योंकि जो नियम है पोस्टमार्टम के बाद स्वास्थ्य महकमा जो है
जिसके यहाँ से जो शव है वो परिजनों के ही सुपुर्दगी में दे सकता है, तो परिजनों को ही दिया जाना है। तो कोशिश पुलिस यही कर रही है, संपर्क भी पुलिस ने कर लिया है उसके परिचितों से कि अब जो है जो करीबी रिश्तेदार हैं वही आकर यहाँ से शव लें। तो इंतजार किया जा रहा है, अभी टाइम है चूंकि, तो माना ये जा रहा है कि वही लोग जिन्होंने असद का शव अपने कब्जे में लिया था वही लोग यहाँ पर आएंगे। इंतजार करना होगा। अभी तक आप बता रहे हैं कि फिलहाल किसी ने दावा पेश नहीं किया है, लेकिन पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अतीक और अशरफ दोनों के ही शवों का पोस्टमार्टम चल रहा है। आप दोनों हमारे साथ बने रहेंगे, अमित गंजू और सर्वेश दुबे लौटेंगे आपके पास। लेकिन फिलहाल माफिया ब्रदर्स अतीक और अशरफ की हत्या कर दी गई है और पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। बताते हैं कि जैसे राजू पाल और उमेश पाल की हत्या की गई थी, ठीक वैसे ही बदमाशों ने अतीक और अशरफ को भी मौत के घाट उतारा है। कहते हैं कि माफिया अतीक अहमद को राजू पाल की हत्या ले डूबी। यहीं से शुरू हुई अदावत की वो कहानी जिसका अंत 15 अप्रैल को एक दोहरे हत्याकांड पर खत्म हुआ, जिसमें खुद अतीक और उसके भाई अशरफ की हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि राजू पाल हत्याकांड में गवाह उमेश पाल की इसी साल 24 फरवरी को दिन दहाड़े हत्या कर दी गई थी। अतीक अहमद का तीसरे नंबर का बेटा असद अपने शूटर साथियों के साथ उमेश पाल और दो सरकारी गनरों की हत्या करते दिखा था। उसके ठीक 50वें दिन यानी 15 अप्रैल को असद के माफिया पिता अतीक अहमद और चाचा खालिद अजीम उर्फ अशरफ की गोल्विन अस्पताल में तीन शूटरों ने हत्या कर दी। उमेश पाल की हत्या का वीडियो भी सामने आया है। शनिवार सुबह असद के जनाजे पर पड़ी मिट्टी अभी बैठी भी नहीं थी कि उसके पिता और चाचा को तीन अपराधियों ने मौत के घाट उतार दिया। राजू पाल और उमेश पाल की हत्या की तरह ही अतीक और अशरफ की हत्या कर दी गई। बात साल 2005 की करें तो उस समय तत्कालीन बीएसपी विधायक राजू पाल के गाँव में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। 25 जनवरी 2005 को राजू उसके परिजनों से मिलने पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे थे। वहां से लौटते वक्त कुछ लोग उनकी गाड़ी का पीछा करने लगे। गाड़ी राजूपाल खुद ही चला रहे थे। जैसे ही राजूपाल की गाड़ी नेहरू पार्क पहुंची, उनकी गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया गया और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी गई। ये वही सड़क थी जहाँ अब गवाह उमेश पाल को मारा गया है। अमित दीप मोटर्स के पास घटना स्थल पर गोलियों से छलनी क्वालिस और स्कॉर्पियो गाड़ी से घायलों को बाहर निकाला गया। घायल अवस्था में लहूलुहान राजू पाल को टेम्पो पर लादकर जीवन ज्योति हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस शूटआउट में संदीप यादव और देवीलाल भी मारे गए थे। राजू पाल का पोस्टमार्टम हुआ तो उसके शरीर से 1.5 दर्जन गोलियां निकाली गई थी। इस सनसनीखेज हत्याकांड के बाद पूरा प्रदेश हिल गया था। राजू पाल हत्याकांड में मुख्य आरोपी अतीक अहमद को बनाया गया। माफिया अतीक और उसके भाई अशरफ को राजूपाल हत्याकांड का मुख्य सूत्रधार बताया गया, लेकिन अल्फा द ट्रूथ इज व्हाट आई कैन सी नो वन एल्स कैन एंड फ्रॉम वेयर आई स्टैंड माफिया ने राजूपाल की जान ली। इसका भी जवाब जान लेते हैं। दरअसल अतीक उन दिनों सांसदी का चुनाव लड़ रहा था। अतीक के इस्तीफे से प्रयाग पश्चिम विधानसभा सीट खाली हुई थी। अतीक अपनी सीट से भाई अशरफ को विधायक बनाना चाहता था। उपचुनाव में अतीक के भाई और राजू आमने सामने थे। राजू पाल ने अशरफ अहमद को उपचुनाव में हरा दिया। ये हार माफिया को बर्दाश्त न हुई और यहीं से झगड़े की नींव पड़ी। फिर 25 जनवरी 2005 को हार का बदला लेने के लिए राजू पाल की हत्या कर दी गई। हत्या के 10 दिन पहले राजू पाल की पूजा पाल से शादी हुई थी। हत्या के बाद राजू पाल की नवविवाहिता पूजा पाल ने FIR धूमनगंज थाने में दर्ज कराई थी। तत्कालीन सपा सांसद अतीक अहमद, उनके भाई अशरफ और उनके करीबियों पर FIR दर्ज कराई गई थी और इस केस में मुख्य गवाह थे उमेश पाल। ऐसा माना जा रहा है कि यही घटना और ये वारदात उमेश पाल की हत्या की वजह बनी। वैसे तो माफिया के अपराध की टाइमलाइन काफी पुरानी है, लेकिन साल 2005 में राजू पाल हत्याकांड से शुरू हुई ये खूनी कहानी माफिया अतीक और अशरफ के आरोप पर आकर खत्म हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और सीधे रुक करेंगे, हमारे सहयोगी अमित गंजू लगातार हमें अपडेट्स दे रहे हैं। अमित, हमने अभी विस्तार से दर्शकों को दिखाया कि कैसे पहले राजू पाल की हत्या हुई, फिर उमेश पाल की हत्या हुई, दो पुलिस वाले भी उसमें मारे गए और उसी अंदाज में अतीक और अशरफ की हत्या हुई। और जो फिलहाल थ्योरी निकल करके सामने आ रही है, जो इन तीनों आरोपियों ने
बताया है यूपीएसटीएफ को वो ये कि इनको एक बड़ा माफिया बनाने का ख्वाब दिखाया गया था, किसी सजा याफ्ता माफिया ने उनको ये सपना दिखाया था कि इस हत्याकांड के बाद से तुम बड़े माफिया बन जाओगे, जेल में चले गए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वहां तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। मतलब रास्ता वही है जिस पर कभी अतीक और अशरफ खुद चले थे, चाहे वो चांद बाबा की हत्या हो, चाहे वो राजू पाल की हत्या हो और उसके बाद उनकी खुद की हत्या। आप हमें सुन पा रहे हैं? आप हमें सुन पा रहे हैं अमित? लगता है उन तक आवाज नहीं जा रही है, लेकिन आपको बता दें कि जी सवाल दो रही है। जी जी अमित, ये पूरा हत्याकांड उसी अंदाज में हुआ है, उसी ख्वाब के लिए हुआ है कि मैं बड़ा माफिया कैसे बन जाऊं। इन तीनों ने भी खबर है कि इसी तरह की बात कही है पूछताछ में जिन्होंने हत्या की अतीक और असद की, कि जेल में सजा याफ्ता एक माफिया ने उनको सपना दिखाया था कि इस हत्याकांड के बाद तुम बड़े माफिया बन जाओगे, ठीक उसी अंदाज में जैसा ख्वाब कभी चांद बाबा को मारने के बाद अपनी लॉन्चिंग के लिए अतीक अहमद ने खुद ने देखा था और उसके भाई अशरफ ने राजू पाल को रास्ते से हटाने के बाद देखा था। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये तीन लड़कों से लंबी पूछताछ, 7 घंटे से ज्यादा की पूछताछ हुई, कई चीजें क्रिस्टल क्लियर स्टेम है। हमारे सोर्सेज जो बताते हैं, जो हमारे पास सोर्सेज फिल्टर करके चीजें भेज रहे हैं, उसमें इन तीनों यूथ का आपराधिक इतिहास भी है। हालांकि जो तीनों की एज बताई जा रही है, एक 18 ईयर्स का है, एक 21 ईयर्स का है, एक 24 ईयर्स का है। मेरा इसका इसमें बताने का उद्देश्य था कि इनसे लंबी पूछताछ हुई, आखिर ये बनना क्या चाहते थे, इनका उद्देश्य क्या था, इनको कौन ब्रेन वॉश कर रहा था, इनका मोटिवेशन किसने बनाया, इनको प्लान ऑफ एक्शन किसने तैयार किया। तो ये सोर्सेज बता रहे हैं, जो जेल के अंदर व्यक्ति बंद था उसने इनको पूरा स्टोरी आइडिया बताया, स्क्रिप्ट पढ़ाई गई, कचेरी में एक मुलाकात हुई उनकी, कोर्ट में मुलाकात हुई जिस दौरान उनकी तारीख लगी उसको बताया गया, क्योंकि उसके ठाट बात, उसके लिए एक आदमी पानी की बोतल, एक ने चिप्स, कहीं ने कुरकुरे, किसी ने केक लेके और कुछ फल लेके, ड्राई फ्रूट्स लेके उसके गैलरी मिलना है। तो इस बात से बच्चे बहुत प्रभावित हुए, ये हाई प्रोफाइल दबंग बनना चाहते थे, हाई प्रोफाइल माफिया बनना चाहते थे और अतीक से बड़ा माफिया बनना चाहते थे, ये ट्रिपल स्ट्रेस लांगना चाहते थे, ऐसा इन्हें ख्वाब दिया गया। फाइनेंशियली ये बहुत कमजोर थे, इनको कहा गया था फाइनेंशियली आप चिंता ना करें, क्योंकि जो उनका गुर्गा था उसने इनको प्रॉमिस किया था कि पंजाब के जो एक इंटरनेशनल व्यक्ति है जो आर्म्स में डील करता है उसके माध्यम से तुम्हें आर्म्स एंड एम्यूनिशन प्रोवाइड कराए जाएंगे। बाकायदा इनको बताया गया कि कैसे आर्म्स को ऑपरेट करते हैं, कैसे उस पर चैम्बर्स लोड करते हैं, कैसे कार्टेजेस लोड किया जाता है, पूरा प्लान ऑफ एक्शन तैयार किया गया। जब पहली बार 26 तारीख को आया था तो उस दौरान अतीक के काफिले में इतनी पुलिस थी कि ये साहस नहीं जुटा पाए, क्योंकि तमाम ऐसी चीजें होती हैं जो प्लान ऑफ एक्शन में नहीं थी। उसके बाद एक एक करके स्टेप बाय स्टेप चीजें बढ़ती चली गई, चीजें आगे आती चली गई और वो ट्रिप में ये 29 तारीख तक वो काम नहीं कर पाए, लेकिन एक बार फिर उनके संज्ञान में आया और इन्होंने इस चीज को भी कबूला जो हमारे सूत्र बताए। जिस दिन कचहरी में पेश हुए हैं, कचहरी में इनको ये मालूम था कि वो पैसे से लेके आएंगे, जबकि पुलिस ने अपनी टीम को बनाते हुए इन्हें कलेक्ट्रेट के पीछे जो जिला योजना अधिकारी के कार्यालय होते हुए हमारे दर्शकों ने करोड़ों दर्शकों ने वो देखा होगा कैसे सुरक्षा के घेरे में उसको लाया गया और मात्र 30 से 35 मिनट के पैसेज के अंतराल पर उसे कोर्ट में एंट्री करा दी, सीजीएम कोर्ट कक्ष नंबर 10 में। उस दौरान भी ये वहां देखे गए थे जैसा उन्होंने बताया, लेकिन ये साहस नहीं जुटा पाए कि पुलिस इतनी थी, सुरक्षा इतनी मजबूत थी कि इनकी हिम्मत नहीं पड़ी कि ये साहस जुटा सकें और उसके पास जा सकें, ये सबसे बड़ा कारण। और चीजें फिल्टर होकर सामने आई कि पंजाब का भी कनेक्शन इनके साथ है, जो जिस पिस्टल की ऑटोमेटिक बात हुई, जिस वेपन की बात हो रही थी वो पंजाब से कहीं ना कहीं उसका लिंक निकल रहा है, जो मुसेला मारा गया था उसमें इसी वेपन का इस्तेमाल किया गया था, इसकी भी पुष्टि हुई है। तमाम चीजें पुलिस के अधिकारियों ने लंबी एक जांच, लंबी एक पूछताछ की, जिसके बाद ये चीजें प्रकाश में आई। जी बिल्कुल, और लंबी पूछताछ के बाद ये बात प्रकाश में आई है और अब जो जानकारियां मिल रही हैं अतीक से जो अभी तक की पूछताछ हुई थी उसमें अतीक ने एक बड़ी बात ये भी कबूली थी, आईएसआई और लश्कर के माध्यम से जो हथियार उसको मिलते थे पंजाब के जिस प्रांत से, हथियार की एक खेप अगर अतीक को मिलती थी तो उसको जानकारी थी कि एक खेप जो है वो खालिस्तानी संगठनों को भी मिलती थी और वो लोग देश में कुछ बड़ा प्लान करना चाह रहे हैं, ये जानकारी भी, मतलब अब कहीं ना कहीं आप देखिए अतीक से जुड़ने वाले तार एक नेशनल सिक्योरिटी को खतरा बताने वाले थ्योरी की तरफ भी इशारा कर रहे हैं। सर लाइव चल रहा है,
अमित, आवाज आ रही है आप तक? जी सवाल दोहराइए प्लीज। जी सवाल ये है कि अतीक से मिली हुई जानकारियां और डॉट्स को कनेक्ट करें तो नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी कितना खतरनाक ये लिंक था। अतीक ने बताया है पूछताछ में कि लश्कर और आईएसआई जो पंजाब प्रांत में जाकर हथियार ड्रोन से डिलीवर करते थे, वो हथियार जो अतीक को मिलते थे कुछ खालिस्तानी संगठनों को भी मिलते थे जो देश में कुछ बड़ा प्लान करना चाह रहे थे। देखिए निश्चित तौर पर कई चीजें निशानदेही पे सामने आई। जो कल पिस्टल बरामद हुई है उसमें पाकिस्तान का कार्टेजेस हैं, पाकिस्तान ऑर्डिनेंस के उसमें 9 कार्टेजेस थे। इसके अलावा यूएस की एक पिस्टल थी 32 बोर के, इससे तमाम चीजें बरामद हुई। इससे कहीं ना कहीं खालिस्तान और నువ్వు మాంత్రికురాలివా ఏంటి, నా వంటింటి నుంచి పొగను మాయం చేసేసావు, నువ్వు అమ్మవా ఏంటి, నువ్వు विश्वास था कि जो उन्होंने पूरी एक प्लान तैयार किया था कि कहां कहां से चीजें, उनके पास जो नेटवर्क था, उनके पास जो प्रूफ थे, उनके पास जो एविडेंस थे, उनके पास जो कागजात थे, उनके पास जो लिंक्स थे, उनके पास जो चैट्स थे, उनके पास जो कन्वर्सेशंस थे, उसके ब्याह पर वो कॉन्फिडेंट थे। इसीलिए उन्होंने 14 दिन की रिमांड मांगी। हालांकि मजिस्ट्रेट ने उनको रिमांड कम दिन की दी, लेकिन उसने वहां के आईओ ने और पुलिस टीम ने इसी 2 दिन के दौरान, हालांकि जब कल रात में 8:10 के आसपास गए और 8:35-40 पर फिर वापस आए, रात में मेडिकल कराने के दौरान ये पूरा वाकया हुआ है, जिससे कहीं ना कहीं पुलिस के अधिकारी भी का भी मनोबल टूटा। उनका कहना है कि कई चीजें अभी और सामने आ सकती थी। बिल्कुल, और ये पूछताछ लगातार जारी थी, लेकिन रिमांड की अवधि खत्म होने से कुछ समय पहले ही हत्या कर दी गई अतीक और अशरफ की। 3 लोगों की गिरफ्तारी इस मामले में हुई है। सर्वेश हमारे साथ भी जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी पोस्टमार्टम हाउस के बाहर से, उनका भी रुख कर लेते हैं। सर्वेश, वहां से क्या ताजा जानकारी आपके पास? क्या अभी तक किसी ने दावा पेश किया है शवों को लेकर? क्योंकि कब्रें तो खोद दी गई हैं, अब आज ही सुपुर्द खाक भी किया जाना है। और मैं मोर्चरी के गेट पर मौजूद हूं, लेकिन अभी तक किसी ने दावा नहीं किया है। और जो ये डॉक्टर है वो भी निकल कर बाहर खड़े हैं, और कुछ यहाँ पर कर्मचारी हैं वो भी बाहर खड़े हैं, और यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, यहाँ पर सचिंदर साहू ये भी यहाँ पर हैं, और ये बार बार गेट खोल रहे हैं, कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ जा रहे हैं। लेकिन 2 यहाँ पर शववाहन हम दिखाना चाहेंगे, कैमरा पर्सन से कहेंगे वो दिखाएं, 2 शववाहन यहाँ पर आ चुके हैं। एक में माफिया अतीक अहमद को और दूसरे में अशरफ के शव को ले जाया जाएगा, और यहाँ से कसारी मसारी कब्रिस्तान के लिए शव ले जाया जाएगा, क्योंकि कसारी मसारी का जो कब्रिस्तान है वो अतीक अहमद का पुश्तैनी कब्रिस्तान है, वहीं पर उनके परिवार के लोगों के शव को दफनाया जाता है। और कल असद की के भी शव को वहीं पर दफनाया गया था और वहीं सुपुर्द खाक किया गया था, तो वहीं पर कब्र खोदी गई है, और अतीक अहमद के साथ साथ उसके भाई अशरफ को भी वहीं सुपुर्द खाक किया जाएगा। और यहाँ पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, कोई अभी बड़े आला अधिकारी यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं, लेकिन ये माना जा रहा है कि थोड़ी देर में कुछ एसीपीज और डीसीपीज यहाँ पर आएंगे। उसके बाद शव के पोस्टमार्टम के बाद उनके परिजनों से संपर्क साधा गया है, और वही तमाम लोग हैं जो असद के नाना हैं, उनके मौसा और अतीक अहमद के बहनोई हैं, वो तमाम लोग जो हैं उन्हीं रिश्तेदारों को पुलिस कन्विंस कर रही है कि वो लोग अपनी सुपुर्दगी में शव को ले लें और उसके बाद अंतिम संस्कार कराएं। तो अंतिम संस्कार को लेकर भी उसी तरह के इंतजाम किए गए हैं जिस तरह कल असद के अंतिम संस्कार को लेकर किए गए थे। गेट पर जो है वो बैरियर लगाया गया है, और तमाम लोग जो परिवार के हैं जिनका सूची में नाम रहेगा वही लोग अंदर जाएंगे, वही दफनाने के पहले नमाज पढ़ेंगे और उसके बाद फातिया जाकर पढ़ेंगे और दोनों शवों को दफनाया जाएगा। ज्यादा लोगों को जाने की इजाजत नहीं होगी चूंकि धारा 144 भी लागू कर दी गई है। इसके साथ ही साथ बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स का डिप्लॉयमेंट भी चकिया इलाके में किया गया है। सुबह से ही, देर रात से ही कहें कि फ्लैग मार्च किया जा रहा है, जिसकी वजह से अब तक सब कुछ शांतिपूर्ण चल रहा है। तो ये बड़ी बात है कि अब यहाँ पर शवों को लेकर इंतजार किया जा रहा है कि पोस्टमार्टम की कार्यवाही पूरी हो और शवों को हैंडओवर किया जाए, जिसके बाद इन शव वाहन के जरिए यहाँ से भेजा जाए। लेकिन अभी तक जो हमारे पास जानकारी है, किसी ने शव को लेने के लिए क्लेम नहीं किया है। पुलिस की कोशिश यही है कि इस मामले में जल्दी से जल्दी परिजन शव के लिए क्लेम करें और शव उनको सौंप दिया जाए, जिसके बाद पुलिस कड़ी सुरक्षा में अपनी निगरानी में शवों का अंतिम संस्कार करा दे। जिस तरह से बेखौफ होकर कल यहां पर ये घटना हुई थी, उसके बाद से ये माना जा रहा था कि अपने आप में ये बड़ी वारदात है और कहीं ना कहीं जो शहर की फिजा है वो खराब हो सकती है। तो यहां पर जो है, और अभी अभी हमारे पास देखिए राजीव आए हैं, और ये राजीव अस्पताल से आ रहे हैं जहां पर कुल घटना हुई थी। राजीव, आपके पास क्या नई जानकारी है जो दर्शकों को अभी आप देंगे
देखिए जो ये बताया जा रहा है कि कल रात में जो ये हत्याकांड हुआ था उसमें जिस तरह से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था ये बेहद सोची समझी साजिश के तहत अंजाम दिया गया था और शार्प शूटरों के द्वारा इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया था। अतीक अशरफ हत्याकांड में जो पिस्टल यूज की गई थी वो काफी सोफिस्टिकेटेड थी, वो तुर्की की पिस्टल बताई जाती है जिसकी कीमत अमूमन 6-7 लाख रुपए होती है। और दूसरी ये टारगेट किलिंग थी सर्वे जी, जैसा कि दोनों रेकी भी की थी, क्या जानकारी रेकी की गई थी इसके पहले? हाँ, ये क्योंकि एक पूरी रणनीति के साथ बनाया गया था इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, इसीलिए जैसे ही अतीक अशरफ को धूमनगंज थाने में पूछताछ की जा रही थी उस दौरान भी ये शूटर्स लगातार उसकी रेकी कर रहे थे। वहां पर जो मौजूद मीडिया कर्मी थे उनसे ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि अब अतीक को कहां ले जाया जाएगा, अशरफ को कहां ले जाया जाएगा। और जब उन्होंने इस बात की तस्दीक कर ली कि इस पूछताछ के बाद अतीक को मेडिकल के लिए काल्विन हॉस्पिटल ले जाया जाएगा। जी जी, बने रहिए हमारे साथ। इस बीच बड़ी खबर दे दें, अतीक अशरफ केस से जुड़ी हुई बड़ी खबर हमें मिल रही है। शूटआउट में लवलेश तिवारी भी घायल हुआ है। लवलेश तिवारी के हाथ में गोली लगी है, जो ताबड़तोड़ गोलियां तीनों ने चलाई थी। प्रयागराज के अस्पताल में लवलेश का इलाज किया जा रहा है। अतीक अशरफ केस से जुड़ी हुई बड़ी खबर, दोनों की मौत हुई थी शूटआउट में और गोली चलाने वालों में जो लवलेश तिवारी था उसके भी हाथ में गोली लगी है और उसका इलाज जो है वो अस्पताल में किया जा रहा है। गोलियां मारने के बाद तीनों ने सरेंडर कर दिया था पिस्तौलें फेंक कर और हाथ ऊपर करके, जिसके बाद पुलिस ने फौरन तीनों को गिरफ्तार कर लिया। और इस पूरी घटना में एक मीडिया कर्मी को भी चोटें आई थी और अब अपडेट ये आ रहा है कि लवलेश के भी हाथ में गोली लगी है। तीनों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई और एक गोली लवलेश के भी हाथ में लगी है जिसका इलाज इस वक्त अस्पताल में चल रहा है। प्रयागराज के अस्पताल में इलाज जारी है लवलेश तिवारी का, जिसकी उम्र 22 साल बताई जाती है। और लवलेश तिवारी के हाथ में गोली लगी है, अस्पताल में उसका इलाज किया जा रहा है। बाकी दोनों से पूछताछ जारी है पुलिस की। अतीक अशरफ केस से जुड़ी हुई यह बड़ी खबर है, दिखा रहे आपको वीडियो बीती रात का जब इन तीनों ने गोलियों से भूनकर हत्या कर दी थी अतीक और अशरफ की, और उस शूटआउट में खुद भी गोली हाथ में लगी लवलेश तिवारी के, और अस्पताल पहुंचाया गया है जहां पर लवलेश तिवारी का इलाज चल रहा है। हमारे दो सहयोगी लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं प्रयागराज से, अमित गंजू हमारे साथ हैं और सर्वेश दुबे भी हमारे साथ हैं, लेकिन फिलहाल ऋषभ मणि त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। ऋषभ मणि, ये नई जानकारी सामने आई है कि जब गोलियां बरसाई तीनों ने उनमें से एक गोली लवलेश के हाथ में भी लग गई और अस्पताल में उसका इलाज इस वक्त चल रहा है। देखिए वो शूटआउट सबने देखा है, तीन तरफ से हमला किया गया है, एक अतीक के बाईं तरफ था, एक अतीक के ठीक सामने और दूसरा अतीक से थोड़ा दाहिने की तरफ था। तीन तरफ से घेर के दोनों भाइयों के ऊपर फायरिंग की गई है और जो हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक आपस की जो तीनों शूटर्स ने गोलियां चलाई है उसमें एक गोली लवलेश तिवारी के हाथ में भी लगी। बताया जा रहा हथेली और कलाई के बीच में गोली लगी है और लवलेश तिवारी का भी इलाज चल रहा है, हालांकि उसको खतरे से बाहर बताया जा रहा है, लेकिन गोली उसको। घटनाक्रम उलझता जा रहा है, कहीं ना कहीं से कुछ साजिशों का भी जिक्र हो रहा है, तो ये भी बात आगे कुछ देर में साफ हो पाएगी कि लवलेश तिवारी की एग्जैक्ट हालत कैसे है। सोर्सेज ये जरूर बता रहे हैं कि वो खतरे से बाहर है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसके इशारे पे लवलेश तिवारी, अरुण और सनी ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है और इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद कहीं शूटर्स को ही निपटाने की कोई प्लानिंग तो नहीं की गई थी, जैसा चित्रकूट जेल में हुआ था। पहले वहां जेल में बंद अंशु दीक्षित मेराज, जो कि मुख्तार अंसारी का सबसे खाक गुर्गा था, जो फाइनेंस देखता था, उसको मारा अंशु दीक्षित ने जेल के अंदर, और फिर इसके बाद मुकीम काला जो पश्चिम का बहुत बड़ा बदमाश था उसकी हत्या की, और फिर जो जेल में तैनात सुरक्षा कर्मी थे वो अंशु दीक्षित को भी मार डालते। तब इस बात में इस बात की चर्चा जो हो रही थी कि अंशु दीक्षित से पहले उन दोनों बदमाशों को मरवाया गया और फिर पुलिस ने अंशु दीक्षित को भी मार डाला, तो इस बात पर अब गौर जरूर करना होगा कि कहीं लवलेश तिवारी को भी निपटाने की कोई प्लानिंग तो नहीं थी ताकि आगे वो किसी का नाम ना खोल दे। लेकिन सोर्सेज अभी यही बता रहे हैं कि लवलेश तिवारी फिलहाल खतरे से बाहर है, लेकिन उसके हाथ में गोली लगी है, वो घायल जरूर हुआ और उसका इलाज चल रहा है। बिल्कुल, आप बता रहे हैं कि गोली लगी है हाथ में और उसका इलाज इस वक्त चल रहा है, लेकिन इन तीनों से पूछताछ भी पैरेलली कर रही है। लेकिन ऋषभ मणि,
अब जो बड़ा एंगल अब इस मामले में सामने आ रहा है वो खालिस्तान करेक्शन को लेकर है। अभी तक तो आईएसआई और लश्कर ही पूरी तरह से पिक्चर में थे, लेकिन अब खालिस्तान की भी एंट्री हो गई है। और असद ने पूछताछ में ये बताया एसटीएफ को कि उसे जहां से हथियार मिलते थे वही पंजाब में खालिस्तानी संगठनों को हथियार दे रहे थे, जो देश में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। ये एक बहुत चिंताजनक बात है। देखिए, अब ये तो अतीक ने अपनी पूछताछ के दौरान भी ये बात कही थी, ये बात पहले भी आई थी, क्योंकि जिस तरह के वेपन इस्तेमाल किए गए थे उमेश पाल के मर्डर केस में, कि वो 15 राउंड 16 राउंड की जो पिस्टल की मैगजीन होती है वो इंडिया में नहीं होती है, वो बाहर से आती है। और ये भी बताया गया था कि उसमें एक पिस्टल ऐसी भी थी जिसमें बर्स्ट फायर की सुविधा थी। और कल भी जो तीन पिस्टल यूज की गई उसमें एक पिस्टल ऐसी थी जो फुल्ली ऑटोमेटिक है और जिसमें बर्स्ट फायर की आप एक बार ट्रिगर दबाएंगे और 15 की 15 गोली एक साथ निकल जाएंगी। तो आम तौर पे ये वेपन जो होते हैं ये बॉर्डर पार से ही आते हैं, और जो एक नया ट्रेंड हुआ है कि ड्रोन के जरिए पाकिस्तान में गिराए, माफ कीजिएगा, पाकिस्तान से पंजाब में गिराए जाते हैं और पंजाब से फिर वो अलग अलग जगहों पर डिस्ट्रीब्यूट जाते हैं। तो बड़े माफिया गिरोह हैं उनके पास ये असलहे जाते हैं और आतंकी गिरोहों के पास भी जाते हैं। अब आतंकी गिरोह वो चाहे लश्कर ए तैयबा या आप ये कह सकते हैं जो इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है उनके पास जाते जाते, साथ ही साथ चूंकि बीते दिनों से खालिस्तान की मांग को लेकर जिस तरह से कुछ ग्रुप सक्रिय हुए हैं तो इस बात से भी इनकार नहीं किया जा रहा है कि वो असलहे उनके पास भी जाते हैं और वही असलहे अतीक के पास भी आते हैं। तो एक कनेक्शन आप कह सकती हैं या एक पॉइंट ऐसा जरूर है जहां पर खालिस्तान के आतंकी और अतीक दोनों एक जगह मिलते हुए दिखाई देते हैं। तो उस एंगल से जांच जरूर हो रही है, क्योंकि जिस तरह के असलहों का इस्तेमाल हुआ है, जिस तरह की राइफल का इस्तेमाल किया गया था जिसको साबिर उमेश पाल के शूटआउट में चला रहा था और जो पिस्टल खुद असद इस्तेमाल कर रहा था, वो सारे वेपन यहाँ पे आम तौर पे उत्तर प्रदेश या आसपास यूज नहीं किए जाते। जो पंजाब के कुछ गैंगस्टर्स हैं, नई दिल्ली हरियाणा के हैं, उनके पास इस तरह के असलहे होते हैं और ये असलहे पाकिस्तान से वाया पंजाब ही आते हैं जो ड्रोन द्वारा गिराए जाते हैं। तो कल भी ये बात बार बार निकल के सामने आ रही थी कि जो पंजाब में इनका एक ऐसा कनेक्शन है जो ये असलहे मुहैया कराता है कि कहीं वो तो शूटआउट के पीछे नहीं है, उसकी पहचान उजागर ना हो जाए, इसलिए उसने दोनों भाइयों को मरवा दिया। लेकिन अब जो पुलिस की एफआईआर हुई है उसमें साफ साफ इन तीनों के हवाले से इस बात का जिक्र किया गया है कि ये अतीक अशरफ को मारकर खुद एक बड़ा माफिया बनना चाहते थे, माफिया डॉन बनना चाहते थे। और जैसा मैंने पहले भी बताया था कि हाँ, एक ये बात निकल कर सामने आ रही थी कि जेल में बंद एक सजा याफ्ता जो माफिया है उसने इनको वो हथियार मुहैया कराए और इस बात का एश्योरेंस भी दिया है, सपने भी दिखाए हैं कि जेल के अंदर से बंद रहने के दौरान भी माफियागिरी की जा सकती है। तो जी जी, बिल्कुल, फिलहाल तो बहुत तरह की बातें हैं और इसको एक बार इन्वेस्टिगेट करेगी पुलिस और उसके बाद ही तस्दीक हो पाएगी कि कितनी जानकारी और कौन सी थ्योरी में कितना दम है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। इस बीच चकिया से अमित गंजू हमारे साथ है और प्रयागराज में पोस्टमार्टम हाउस के बाहर से हमारे साथ सर्वेश दुबे भी जुड़े हुए हैं। सर्वेश, अब कितनी देर और लगेगी पोस्टमार्टम की कार्रवाई को खत्म होने में, उसके आगे की प्रक्रिया क्या कहती है? प्रक्रिया की अगर बात करें तो पोस्टमार्टम इस दौरान यहां पर चल रहा है। तमाम वहां पर देखिए कि साफ तौर पर पुलिसकर्मी भी यहां पर दिख रहे हैं, पुलिसकर्मी है यहां पर, और इसके साथ ही साथ यहां पर डॉक्टर्स की टीम यहां पहले ही पहुंच गई थी। पोस्टमार्टम की कार्रवाई चल रही है, हालांकि पोस्टमार्टम बहुत ही इसमें सावधानी पूर्वक करना है, कितनी गोलियां लगी हैं, तमाम डिटेल रिपोर्ट तैयार करनी है, विसरा प्रिजर्व करना है। विसरा प्रिजर्व करने के लिए यहां पर जो कुछ उपकरण भी यहां पर मंगाए गए थे वो भी आ गए हैं, और इसके साथ ही साथ यहां पर दो जो शव वाहन है उनको भी बुला लिया गया है। अब ये चूंकि अब देखना है कि कितना टाइम लगता है एग्जामिन करने में डॉक्टरों की टीम को, और चूंकि 5 डॉक्टरों की ये एक पैनल बनाया गया है जिसमें स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी शामिल है, तो वो दोनों का माफिया अतीक अहमद का और अशरफ का यहाँ पर पोस्टमार्टम करेंगे और पोस्टमार्टम की कार्यवाही पूरी होने के बाद बॉडी को यहाँ पर सील किया जाएगा। सील करने के बाद परिजनों को सुपुर्दगी में दी जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक अतीक अहमद के किसी करीबी रिश्तेदार ने बॉडी पर दावा नहीं किया है। ये सबसे बड़ी उलझन पुलिस के लिए अभी बनी हुई है। पुलिस ये चाहती है, पुलिस ने संपर्क भी किया है फोन के जरिए अतीक के उन रिश्तेदारों का, अतीक के चचिया ससुर का, और इसके साथ ही साथ और अपने अतीक के साढ़ू और अतीक के बहनोई का, जिन्होंने असद के शव को अपने सुपुर्दगी में लिया था, उनसे बातचीत की जा रही है और ये उनसे अपील की जा रही है कि वो अतीक अहमद के और अशरफ के शव को भी पोस्टमार्टम के बाद स्वीकार कर लें और उसके बाद जो अंतिम क्रिया है वो कराई जाए। और पुलिस भी इसके लिए तैयार है पूरी तरह से, कड़ी सुरक्षा के बीच जिस तरह से असद का शव दफनाया गया था उसी तरह से माफिया अतीक अहमद और अशरफ के भी शव दफनाए जाने की तैयारी कर दी गई है। कसारी मसारी में कब्रिस्तान में जहाँ पर असद का शव दफनाया गया है वहां पर कब्र भी उसी के पास खोद दी गई है
और इसके साथ ही साथ तैयार कर ली गई है। और इसके अलावा RAF, PSC और बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। तो हलचल यहाँ पर अब दिखाई दे रही है। अब देखना यह है कि कितनी देर में ये पूरी कार्रवाई यहाँ पर हो जाती है। सबकी निगाहें इसी पर लगी हुई है, क्योंकि आज पुलिस की कोशिश होगी कि जी बिल्कुल। और महत्वपूर्ण जानकारी आप ये दे रहे हैं कि प्रशासन ने संपर्क साधा है उन रिश्तेदारों से जो कि असद का शव लेकर गए थे, क्योंकि अभी तक किसी ने शवों पर दावा पेश नहीं किया है कि कौन उन शवों को लेने आएगा। तो प्रशासन चाहता है कि यदि मुमकिन हो तो वही लोग इन शवों को ले जाएं और आगे की प्रक्रिया को पूरा करें जहां पर उनको दफनाया जाना है। रुक करते अमित गंजू का, वो चकिया इलाके से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, क्या अपडेट आपके पास? आप तो खुद चश्मदीद रहे हैं इस पूरे शूटआउट कांड के। देखिए आस्था जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पुलिस और पुलिस डिप्लॉय है यहाँ, क्योंकि कई लोग अभी कुछ ऐसा मोमेंट आया था कैमरा देखने के बाद यहाँ के लोग भिदक गए थे। हमने कैमरामैन से कहा अब आप बाहर निकल सकते हैं क्योंकि पुलिस भी आ गई है और PSC के जवान भी लगा। परफेक्ट गिफ्ट फॉर योर लव्ड वंस, सारेगामा कारवा तेलुगु। पहले हम लोग कसारी मस्जिद के पास थे, वहां RAF का पूरा डिप्लोमेट है, लेकिन कुछ जगह ऐसे थे जहां कैमरा देखने के बाद कुछ लोग अननेसेसरी न्यूसेंस करना चाह रहे थे, जिसके बाद पुलिस के जवानों उनको समझाया और वहां से हटा दिया। अब रही बात उनके रिलेटिव्स की, जैसे जो हमारे सोर्सेज कर रहे हैं, जैसे कि सर्वेश जी बता रहे हैं कि अभी तक कोई नहीं है, लेकिन वही हमारे पास जो पुख्ता है जानकारी है, डॉक्टर हारून साहब जो उनके नाना है असद के, वो जाएंगे। और बात रही डॉक्टर उस्मान की जो उनके मौसा है, और डॉक्टर इकबाल ये जाएंगे जो इनके फूफा हैं, ये तीन प्लस इसके नौशाद, एक नौशाद आलम जाएंगे और एक तबरेज आलम खान, ये नाम अभी तक सामने आए हुए हैं जो उनके क्षेत्र के हैं। तबरेज आलम के फैमिली रिलेटिव नहीं है लेकिन उसी क्षेत्र के रहने वाले हैं जहाँ के, जहाँ ये चकिया क्षेत्र है जहाँ उनका मकान जिसमें उस पर कार्रवाई हुई थी उसके ठीक बगल वाले मकान में तबरेज आलम खान रहते हैं। यानी कहीं ना कहीं अब इतने लोग तैयार हुए। लेकिन अब बात रही अगर अशरफ की बात करें तो अशरफ के रिश्ते का जो साला है वो भी जाएगा, लेकिन जैसे कि पूर्व में मैंने आपको बताया था और अभी बताऊंगा और सर्वेश जी को बताना चाहूंगा कि वो लोग यहां से निकल चुके हैं, जो क्षेत्र के लोगों ने हमें बताया है कि वो लोग यहां से निकल चुके हैं। और कहीं ना कहीं मैं कैमरामैन से कहूंगा, देखिए अब अभी तक इस स्पॉट पे कोई व्हीकल नहीं था, लेकिन देखिए अब PSC की ट्रक भी यहां आ गई है और ये ठीक सामने ई रिक्शा के ठीक पीछे पुलिस का पूरा कैंप बुला दिया गया, क्योंकि पुलिस ने अपनी जो वर्कशॉप की है वो नहीं चाहेगी कि किसी प्रकार की कोई परेशानी हो, किसी प्रकार का कोई समस्या हो, इसलिए चप्पे चप्पे पे फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है। और इन सब के बीच जिस तरह एक बात ऋषभ से आप पूछ रही थी, खालिस्तान कनेक्शन की बात सामने आई है और खासकर विदेशी वेपन्स कैसे आए हैं, ये सबसे बड़ा चिंता का विषय था कल रात में 8:20 के आसपास, जब कसारी मसारी मस्जिद से हार्डली अगर कहा जाए 500 मीटर्स की दूरी पर जब टीम पहुंचती है, वहां धूमनगंज इंस्पेक्टर पहुंचते हैं, पुलिस के लोग पहुंचते हैं, तो अतीक को गाड़ी से नहीं उतरने देते हैं और अशरफ को अपने साथ लेके जाते हैं। उनकी निशानदेही पर पिस्टल्स 2 बरामद हुई थी और लगभग 68 कार्टेजेस की बात सामने आ रही है। इसमें वो कार्टेजेस सबसे ज्यादा चौंकाने वाले निकले जो पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के जिसपे उस पर मार्क लगा था, POF यानी POF उसमें मार्क लगा था 16, मतलब वो पूरा, क्योंकि क्लियर नहीं हो पा रहा था वो चीजें क्योंकि फोटोग्राफ्स के माध्यम से। अब मेडिकल के बाद ये घटना हो जाना, इन शूटर्स का ताबड़तोड़ फायरिंग करना, क्योंकि मैं उस वक्त मौके पे था, मेरे कैमरामैन अनिल थे ठीक सामने की पट्टी पे, हम ऐसे जैसे खड़े सवाल पूछ रहे थे, पुलिस का पूरा घेरा था, उसमें 3-स्टार ऑफिसर प्रभारी निरीक्षक था, 2 उपनिरीक्षक थे इस तरफ, उसके बाद 2-3 कांस्टेबल इस तरफ थे, 8-10 कांस्टेबल इस तरफ थे, उसके ठीक पीछे लोकल शाहगंज थाने की पुलिस खड़ी थी। और जैसे ही उस स्लोप से आगे बढ़ के आते हैं और उस कनपट्टी पे यानी बाएं कनपट्टी पे उसके गोली दागते हैं, ताक ताक जितनी, मतलब ट्रिगर एक बार सिर्फ लोड किया और ट्रिगर से फायरिंग हुई, पहला अतीक और उसके बाद सेकंड ये। इसके बाद वो पीछे जो हमारे ठीक पीछे जो 2 युवा थे उन्होंने कान के बगल से एक स्पीड जैसी कोई चीज निकली और उसको लगी और सीधे जाके वो भी बैठ गया। और उसके बाद ठीक सामने वाले लड़के ने रोटेट करता हुआ आया, ये पूरा रोटेशन कर रहे थे, 1 पीछे 2 पीछे से घूम घूम के करे, और उसके बाद जब तक वो फायरिंग तब तक करते रहे जब तक वो ये इस बात से श्योर नहीं हो गए, और उसके बाद वो चिल्लाने लगे। जब तक ये सारा पूरा प्रकरण चला पुलिस का कोई भी कर्मी वहां नहीं दिखा। फिर बाद में हालांकि कुछ लोग दीवारों के आड़ में छुप गए, कुछ लोग दीवारों के पीछे आ गए, कुछ कूड़ा घर की तरफ चले गए, कुछ बाहर, ये सूचना जैसे ही ताबड़तोड़ फायरिंग की हुई, मुश्किल से 45 सेकंड में 45 साल के साम्राज्य को उन तीन अज्ञातों ने, अज्ञात आप नहीं कह सकते क्योंकि नाम हम सामने आ गया, उन आरोपियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की, इंग्लिश पिस्टल से, ऑटोमेटिक पिस्टल से फायरिंग की, और
और उसे ढेर कर दिया। क्षेत्र में दहशत फैली, हो सकता है जो पूछताछ के समीकरण या पूछताछ के तारा उससे जुड़ते जा रहे हैं, क्योंकि वो चाहते थे कि वो बाहुबली बने, वो उनको लोग रातों रात पहचाने, इसलिए उन्होंने इसको चुना। ये इसके लिए 2 दिन 4 दिन 5 दिन 15 दिन ये पिछले कई दिनों से या कहा जाए महीनों से रेकी कर रहे थे। और जैसा कि पूर्व मैंने बताया, एक सजा याफ्ता जो जेल में इस वक्त बंद है उसके संपर्क में थे, उसके गुर्गे के संपर्क में थे, वो चाहते थे कि न्यायालय जब वो आए तो वो भी उससे मुलाकात करें, क्योंकि वो रातों रात एक तो अमीर बनना चाहते थे, दबंग बनना चाहते थे, बाहुबली बनना चाहते थे, ताकि पूरे उत्तर प्रदेश के लोग नहीं भारत के लोगों ने पहचाने, क्योंकि उनकी उम्र कम थी, ना समझी ज्यादा थी, इसलिए देखा जा सकता है कि 19 से लेकर 25 साल की उम्र के बीच है। अब जब एसटीएफ ने अलग अलग से तीनों से कड़ाई से पूछताछ की तो कई राज सामने भी सामने आने बाकी हैं। हालांकि उनमें से एक उनके बीच का व्यक्ति है ललेश, उसके हाथ में हथेली पे वो स्क्रैच लगा है, क्या वो छर्रा लगा है या फायरिंग करने के दौरान कोई मिस फायर हुआ है या बैक फायर हुआ है या ट्रिगर दबाते समय या उसको लोड करते समय उसका मांस उसमें, अभी ये पुलिस की जांच का विषय है, पुलिस की रिपोर्ट का विषय है, मगर उसका इलाज चल रहा है। और जो यहाँ के सीएमएस है उन्होंने बताया कि वो खतरे से बाहर है, हालांकि कैमरे के सामने उन्होंने कुछ नहीं बोला, क्योंकि जब से ये एपिसोड हुआ है या जब से ये प्रकरण हुआ है, जब से ये घटना हुई, जब से ये फायरिंग हुई है, जब से माहौल खराब करने का प्रयास किया गया था, उसके बाद से कई घंटे तक शव दोनों का वहीं कॉलबिन में पड़ा रहा और उसके बाद पुलिस की सुरक्षा के बीच चलाया गया। जो अब हमारे पास सोर्सेस हमारे बता रहे हैं कि अगले 50 मिनट्स में, मैक्सिमम 50 मिनट्स में यहां से शव को, मतलब उस जगह से शव को यहां लाया जाएगा और घर नहीं लाया जाएगा, क्योंकि घर में अधिकारियों का साफ कहना है कि घर में उनके कोई नहीं है, पत्नी फरार चल रही है, बेटा जेल में है, दूसरा बेटा नैनी जेल में है, दो बेटे बाल गृह में है, पत्नी का पता नहीं, और रही अशरफ की बात तो अशरफ की पत्नी का, मतलब किसी परिवार के सदस्य का पता नहीं, तो ढूंढे किसे, क्योंकि अब इस घटना को लगभग 16-17 घंटे हो गए हैं, और जब तक ये पोस्टमार्टम वाइंड अप होगा, ऑटोप्सी रिपोर्ट आएगी, उसको वाइंड अप किया जाएगा, उसको बॉडी को सील किया जाएगा, और उसके बाद इनको सील करने के बाद यहां लाया जाएगा, तो उस डिस्टेंस 40 मिनट्स लगेंगे, जिसको लेके देखिए पुलिस की पेट्रोलिंग देखी जा सकती है कि कैसे पुलिस स्पीड बनाए हुए हर 5 मिनट, हर 3 मिनट, हर 4 मिनट में हर एक गली से एडिशनल डीसीपी, एसीपी, एसएचओस, एसीएम और सब लोग हर उस गली से भ्रमण कर रहे हैं, हर उस गली में पेट्रोलिंग कर रहे हैं। आरएएफ को परमानेंट वहीं जहां कब्र खोदी जा रही है वहां लगा के रखा गया है, क्योंकि और मस्जिद की बात, जैसे लास्ट टाइम कुछ महिलाओं को बताया गया था, कुछ महिलाएं पहले से मस्जिद मौजूद है, उसके बाद काफी देर तक पूछताछ चली, हालांकि बाद में चला महिला पहले से आके बैठी थी और रिश्ते में वो जी जी। यार एक बड़ी खबर, शूटआउट से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को बता दें, अतीक ने इशारा किया था और गाड़ी से उतरते ही इशारा किया था, वो तस्वीरें भी कैमरे में कैद है, इशारे पर एक पुलिस वाला पलटा भी था, पुलिस वाले ने भी देखा था कौन है, क्या अतीक के इशारे पर आए थे शूटर। शूटआउट से जुड़ी हुई बड़ी खबर, जैसे ही अतीक वैन से उतरा उसने कुछ सेकंड रुक करके किसी की तरफ देखा और इशारा किया, और इसे एक पुलिस वाले ने भी नोटिस किया। अब सवाल ये उठ रहा है कि इशारे पर पुलिस वाला भी पलटा था और क्या अतीक के इशारे पर आए थे शूटर्स। ये देखिए, ये उस पल की तस्वीर है जिसकी चर्चा लोग इस वीडियो को। We've helped millions of creators improve their SEO to grow their YouTube channels. TubeBuddy is a platform. यही अतीक आप देख रहे हैं, पुलिस वैन से उतरता है, वो पलट कर दूसरी तरफ कहीं देखता है, वो मूवमेंट हम फ्रीज करके भी आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, कहीं देखा उसने, झांका और उसके बाद उसने इशारा किया, नॉडिंग आपको साफ दिख रही है, जैसे वो किसी को करीब बुला रहा हो या कुछ इशारा करना चाह रहा हो। तो अतीक ने इशारे से आखिर किसको बुलाया, इस मूवमेंट की चर्चा हो रही है। अतीक का इशारा किसके लिए था, पुलिस वैन से उतरने के बाद जब वो मेडिकल के लिए जा रहा था, वहां पर मीडिया कर्मियों के साथ बातचीत करने के लिए रुका, लेकिन उससे पहले जब वैन से उतरा तो आप देखिए उतरते वक्त उसने किसी को इशारा किया। ये देखिए, पुलिस पकड़े हुए है, उसे वैन से उतरने में मदद कर रही है, लेकिन वो 2 सेकंड के लिए रुक करके दूसरी तरफ मुड़ के देखता है और किसी को इशारा करता है। आखिर किसको बुलाया अतीक ने, करीब आने का इशारा करता दिख रहा है, और अतीक के इशारे पर एक पुलिस वाला पलटा भी था, पुलिस वाले ने भी देखा था कौन है। तो सवाल ये कि क्या अतीक के इशारे पर आए थे शूटर। तरह तरह की थ्योरीज जो है इस वक्त चर्चा का विषय बनी हुई है, मामले की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तीनों ही शूटर अतीक और अशरफ के गिरफ्तार किए जा चुके हैं, लवलेश के भी हाथ में गोली लगी है जिसका इलाज फिलहाल चल रहा है,
बाकियों से भी पूछताछ की जा रही है, उनके घर उनके गांव में जाकर पुलिस की टीमें पूछताछ कर रही हैं। और आप देखिए एक बार इशारा किया अतीक ने, जैसे ही वैन से नीचे उतरने लगा एक सेकंड के लिए रुका, दूसरी तरफ देखा और एक बार उसने इशारा किया जैसे खुद के करीब किसी को आने के लिए कुछ कह रहा। अमित गंजू हमारे साथ है, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। अमित, ये जो कैमरे के सामने कल सब कुछ हुआ है, मीडिया की टीम्स वहां पर थी तो हर एक मोमेंट कैमरे में कैद है, सबके पास वीडियोज है, लोग चर्चा कर रहे हैं कि वैन से उतरते वक्त आखिर दूसरी तरफ पलटकर किसको इशारा कर रहा है अतीक, और ये एक पुलिस वाले ने भी देखा था। देखिए आस्था जी, मैं आपको बताना चाहूंगा क्योंकि न्यूज 18 की टीम काफिले में भी साथ थी और जब वो स्कॉट वाली गाड़ी थी वो आगे निकल गई कूड़ा घर की तरफ जहां ट्रांसफार्मर बना हुआ है, उसके बाद जो जीप जिसपे हुड लगा हुआ था उसको हटाने के बाद पहले अशरफ नीचे उतरता है जिसने ब्लैक रंग की टी शर्ट और लोअर पहना है और उसके बाद अपने भाई को सहारा देता है और पुलिस कांस्टेबल क्योंकि हथकड़ी से एक हाथ में उनकी हथकड़ी होती है उनको लेके उतारना चाहता है। जैसे ही वो फुट रेस्ट पर पांव रखता है लेफ्ट हैंड साइड से अपनी गर्दन हल्की सी घुमा के ग्रिनिंग स्माइल दी है और कुछ एक इशारा कर रहा है। वो इशारा किस चीज का है, किसको इशारा कर रहा है, क्या कहना चाह रहा है, तमाम ऐसी चीजों पे अब सोशल मीडिया कल से देर रात से एक्टिव है और ऐसे एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार ऐसे वीडियोज आए उतरने पे एक एंगल में देखा, जबकि अगर जो आदमी जिसको डेस्टिनेशन पे अपने उतरता है वो अपनी डेस्टिनेशन की ओर देता है और उसकी डेस्टिनेशन हॉस्पिटल थी, उसकी डेस्टिनेशन या स्पॉट जहां उसे जाना था वो राइट हैंड साइड पे था और वो अस्पताल था कॉलेज, लेकिन उसने राइट ना देख के लेफ्ट जो पूरी बाजार थी मार्केट में थी, एक भीड़ थी, कई लोग वहां थे, उन डेढ़ से दो सेकंड या ढाई सेकंड या मैक्सिमम तीन सेकंड कह सकते हैं हल्का सा देख के गर्दन ऐसे की, बॉडी के स्लो मूवमेंट किया आमतौर पे क्योंकि जब भी उतरता था सीधे नीचे और पुलिस के घेरे से अंदर मीडिया से सवालों से रूबरू होने के लिए बढ़ता जा रहा था। इससे क्या प्रतीत होता है, क्या वो किसी को बुलाना चाह रहा था या उसका कोई इंतजार कर रहा था या उसने किसी को सूचना दिलवाई थी कि मेरा मेडिकल इस टाइम पे होता है, ये तो अब पुलिस की जांच का विषय है। मगर ऐसे तमाम वीडियोस सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं, ऐसे तमाम फोटोग्राफ्स वायरल हो रहे हैं जो पुलिस के लिए एक जांच का विषय है। मगर इन वीडियोस के अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि जब उसके भाई उसको हाथ का सपोर्ट दे रहा था तो उसने भाई की ओर ना देख के लेफ्ट हैंड साइड देखा और उसके बाद फिर अपना लेफ्ट पांव, अब माफी चाहूंगा राइट पांव पहले उस पर रखा और उसके लेफ्ट पांव से उतर के वो आगे पुलिस के घेरे में आगे बढ़ता हुआ चला गया। ये सब चीजें कैमरा में कैद हुई है और उसके स्टेपिंग से लेकर गेट की एंट्री के तक 3 से 2.5 मिनट के अंतराल पर और उसका बोलना मुश्किल से 1 मिनट का था कि नहीं बुलाया, नहीं परमिशन मिली, नहीं गए। और जैसे ही गुड्डू मुस्लिम जैसे ही बोलता है गुड्डू मुस, उतने में लेफ्ट हैंड साइड पे अतीक के राइट कन लेफ्ट कनपट्टी पे ताबड़तोड़ गोलियां चलती हैं और उसका फ्लो दूसरे जो वहां खड़ा है और अचानक उसमें अंधेरा हो जाता है, लाइट कैसे स्विच ऑफ हो जाती है सबसे बड़ी बात है, लाइट स्विच ऑफ हो जाती है जो पूरा कुप अंधेरा पड़ जाता है और घूम घूम के सर्कल वाइज फायरिंग होती है और ये इंश्योर कर लिया जाता है कि उसके प्राण निकले कि नहीं और उसके बाद पुलिस वहां एंट्री लेती है और ये वहां चिल्लाने लगते हैं ताकि ऐसा लगता है कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो आत्मसमर्पण करना चाहते हैं। उनमें से एक व्यक्ति जमीन पे हमारे ठीक पीछे का जो पैसेज था उसमें जमीन पे लेटा था जहां पीछे ग्रिल एक लगी हुई थी और लेट जाता है, उसकी पिस्टल स्कैटर्ड होकर उसके राइट हैंड से उठते हुए हम लोगों के फीट्स के पास आई, दूसरी पिस्टल दूसरे व्यक्ति ने अपनी जानबूझ के फेंकी और तीसरा को जो पुलिस पीछे से गेट के पास खड़ी थी उसने उसको पकड़ा, वो भागना नहीं चाहते थे ये बिल्कुल तय था। अब इशारे किसको थे, कौन आना चाहता था, किसके लिए मैसेज था, यह भी एक राज है, यदि वो जिंदा होता तो ये राज जरूर पालन करता, लेकिन पुलिस को इस चीज पर भी कहीं ना कहीं सोचना चाहिए क्योंकि सोशल मीडिया पे घूम रहा है और वहीं तमाम ऐसे कैमरास लगे हैं, चाहे वो मेडिकल स्टोर्स की बात की जाए, चाहे वो एक रिपेयरिंग सेंटर है, आइसक्रीम पार्लर है और उसके आगे एक और मेडिकल सेंटर है और एक स्टूडियो है। बिल्कुल बिल्कुल लौटेंगे क्योंकि आप और हमारे कैमरामैन तो खुद चश्मदीद हैं, आप ही उन वक्तव्यों को रिकॉर्ड कर रहे थे और जिस दौरान ताबड़तोड़ गोलियां चल गईं और पल में खत्म हो गए अतीक और अशरफ। इस बीच अतीक हर तरफ चर्चा में है, उसकी हिस्ट्री शीट भी बता देते हैं, गैंग IS-227 कुल मुकदमे 100 से ज्यादा और एक्टिव केस 53, ये अतीक की हिस्ट्री शीट है, जो एक्टिव केसेस थे 53, पेंडिंग केस 42 अतीक के ऊपर जिनकी जांच चल रही थी 11 और उसमें से हत्या के कितने मामले हैं 17 और ज्यादातर केसेस में वो गवाहों को डरा धमका करके सबूत के अभाव में बचता आया। गैंगस्टर एक्ट के 12 मामले, आर्म्स एक्ट के 8 और गुंडा एक्ट के 4 मामले
अतीक के ऊपर है। तो पूरे हिस्ट्री शीट आपको अतीक अहमद की हम बता रहे हैं। 40 साल से ज्यादा किसी मामले में इसको न सजा हुई ना ये दोषी करार दिया गया। हाल ही में इसको उमेश पाल अपहरण कांड में उम्र कैद की सजा कोर्ट ने सुनाई थी, लेकिन इतने सालों तक कैसे ये कानून से खिलवाड़ करके बचता रहा, बाहर घूमता रहा इतने संगीन मामलों के बावजूद। तीन तस्वीरें इस वक्त स्क्रीन पर, तीनों हमलावरों का एक्शन इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे बीती रात उन्होंने एक एक करके गोलियां चलाई, अतीक और अशरफ की हत्या कर दी। हालांकि इस शूटआउट में खुद एक गोली लवलेश के हाथ पर भी लगी। एक और बड़ी खबर, खालिस्तानी संगठनों से अतीक के कनेक्शन, ये एक बहुत बड़ा लिंक है। आईएसआई और लश्कर से संबंधों का भी शक, अतीक की निशानदेही पर हथियार बरामद हुए थे। उमेश की हत्या में जो इस्तेमाल हथियार थे वो बरामद हुए थे। बीती रात की फायरिंग में एक कांस्टेबल भी घायल हुआ है। अतीक अशरफ की हत्या मामले में एफआईआर जो की गई है उसमें ये जानकारी है, उससे ये खुलासा हुआ है। खालिस्तानी నేను అరేబియా నుండి హిస్ హైనెస్ దూతను.